हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एफएम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिए थे और मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे, मैंने बोला था 70% क्वेश्चंस आपके वहीं से पूछे जाते हैं। उसके अलावा लास्ट क्लास में मैंने आप सभी लोगों को नैरो बैंड एफएम और वाइड बैंड एफएम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे। आप लोगों को उसकी टाइम डोमेन एनालिसिस समझाई थी, उसके साथ साथ उसके फ्रीक्वेंसी रिलेटेड पैरामीटर्स, पावर रिलेटेड पैरामीटर्स कैलकुलेट किए थे। बैंडविड्थ का बहुत अमेजिंग फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो 30% क्वेश्चंस आपके बनते हैं इस वाले सेक्शन से, तो ओवरऑल आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो बताओ, लास्ट क्लास में जितना डिस्कशन हुआ था वो सभी लोगों को अच्छे से क्लियर है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना? आपको बताया था कि एक सिंगल टोन मैसेज सिग्नल का एक फॉर्मूला बताया था, एसी कॉस ओमेगा सीटी प्लस बीटा साइन 2πfmt, और बताया था अगर बीटा बहुत कम होगा तो आप उसको कैसे लिखोगे, बीटा बहुत ज़्यादा होगा तो बेसल्स फंक्शन वहाँ पे पिक्चर में आ जाएगा। आई होप ऑल दिस थिंग्स आर प्रीटी मच क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब आज के सेशन में कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट आज के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि आपको एफएम या पीएम के बैंडविड्थ के क्वेश्चन कैसे करने चाहिए। एट द सेम टाइम आप सभी लोगों को अगर कभी बेसल्स फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वाइड बैंड एफएम रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कैसे करने चाहिए। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाकी कल से आपका रैंडम वेरिएबल हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो जिन लोगों ने अभी तक एएम का पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है वो सभी लोग रैंडम वेरिएबल ऑनवर्ड्स भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ के साथ वो डिजिटल कम्युनिकेशन में आपकी हेल्प भी करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। तो सबसे पहले आप सभी लोग देखिए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप सभी लोग नोटिस करें तो आपको यहाँ पे दिया गया है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मतलब क्या होता है यार, जल्दी से बता दो सभी लोग। इसका मतलब होता है मैसेज सिग्नल, है ना? एक मैसेज सिग्नल आपको दे रखा है जो कि आप सभी लोगों को पीरियोडिक इन नेचर दिख रहा होगा। दिख रहा है सभी लोगों को पीरियोडिक इन नेचर? यस। इसका अगर आप लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या इसका टाइम पीरियड क्वेश्चन में उसने खुद ही मैंशन कर दिया है, 2 × 10⁻⁴ सेकेंड्स। यानी कि क्या इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोग 5 kHz मान सकते थे? क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ उसने क्या दे रखा था, हाँ कल हो गया था बट कल वाली जो क्लास थी वो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ कुछ टेक्निकल एरर्स। तो बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड भी देखते हैं, तो मेरे ख्याल से कल सेकंड वाले क्वेश्चंस तक ही हुआ था, उन दोनों क्वेश्चंस को वापस से कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चंस हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके फाइन। और बाकी जो लोग कल नहीं कर पाए थे वो आगे इसके बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो साथ के साथ क्वेश्चन में देखो KF और KP का आपको डेटा भी दे रखा है। दिख रहा है आप लोगों को KF और KP का डेटा? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो उसने KF का आपको डेटा दिया 2π × 10⁵ और ये यूनिट नहीं लिखता है। ठीक है, तो मान लो किसी क्वेश्चन में अगर उसने KF आपको दे रखा है 2π × 10⁵ और यूनिट नहीं लिखा है, तो आप हमेशा उसकी यूनिट रेडियन पर वोल्ट सेकंड ले लेना अगर यहाँ पे 2π वाला फैक्टर आता है तो। ठीक है ना, और अगर 2π वाला फैक्टर नहीं आता है तो फिर उस केस में आप उसकी यूनिट क्वेश्चन में एग्जामिनर देगा। ठीक है, चलिए KP दे रखा है। जल्दी से बता दो एसेंशियल बैंडविड्थ, इसका मतलब क्या होता है, वॉट इज द एसेंशियल बैंडविड्थ ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल एज थर्ड हार्मोनिक दे रखा है। तो एसेंशियल बैंडविड्थ का मतलब मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली बताया था कि कभी भी अगर एसेंशियल बैंडविड्थ नामक वर्ड यूज करता है, इसका मतलब इस सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपको उसने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। तो इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपको मेंशन किया गया था 3f0 के बराबर, यानी कि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाती 15 kHz के बराबर। चलेगा? यस, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपको ये दे रखा है। चलिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बैंडविड्थ ऑफ एफएम एज वेल एज पीएम। तो सबसे पहले हम लोग एफएम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एफएम से हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। तो एफएम की अगर हम लोग कैलकुलेशन करना चाहते हैं, बैंडविड्थ हमसे पूछा गया, तो बैंडविड्थ ऑफ एफएम कितना हो जाएगा बताएंगे सभी लोग? तो बैंडविड्थ ऑफ एफएम हो जाएगा बीटा एफएम प्लस 1 × 2f max, है ना? एफएम का अगर हम बीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका बीटा कितना आ जाएगा, इसका बीटा होगा डेल्टा एफटी मैक्स अपॉन एफ मैक्स, ये इसका बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं, आप मुझे बताइए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन कैलकुलेट करने का अपने पास कोई फॉर्मूला है? तो आप बोलोगे सर कोई फॉर्मूला नहीं हमारे पास, इनफैक्ट आपको KF की यूनिट के बेसिस पे ही सारा का सारा डिसीजंस लेना मैंने सिखा रखा था। ठीक है, तो अगर हम लोग KF के बारे में देखें तो उसने मेंशन कर रखा था 2π × 10⁵ रेडियन पर वोल्ट सेकेंड, ये मेंशन किया था आपको KF के बारे में, है ना?
अब अगर KF ये मेंशन कर रखा है तो जाहिर सी बात है हमको यही बेसिक डेफिनेशन यूज कर लेनी चाहिए KF। अब देखो यहाँ पे ना MT जो आप लिखते हो ना वो टोटल इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये जो मैसेज सिग्नल्स का नाम क्या है। अगर इसका नाम XT है तो फिर इसका नाम आप यहाँ पे KF XT लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप मुझे बताइए FIT कितना मिल जाएगा आप सभी लोगों को, FC प्लस KF अपॉन 2π MT, ठीक है, यही मिलेगा। तो यहाँ से अगर मॉड ऑफ डेल्टा FT मैक्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या वो KF अपॉन 2π मॉड ऑफ MT मैक्स होगा। मॉड ऑफ MT मैक्स का मतलब हो गया किसी भी मैसेज सिग्नल का मॉडुलस लेने के बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी निकाल सकते हो। आप देखो इसका अगर आप मॉडुलस लोगे ये भी 1 ये भी -1 तो इसका मॉड लेने के बाद इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इट विल बिकम 1। KF की वैल्यू आपको दे रखी थी 2π × 10⁵, इसको 2π से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या ये वैल्यू आपको 100 kHz दिख गई, बिल्कुल है ना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बैंडविड्थ का फॉर्मूला लिखना चाहते तो देखिए क्या बैंडविड्थ का फॉर्मूला हम ऐसा भी लिख सकते थे। अच्छा एक चीज़ आप और बताना, अगर मान लो हम बैंडविड्थ का फॉर्मूला ऐसा लिखें तो किसी को कोई आपत्ति इसमें, देखो मॉड ऑफ डेल्टा FT मैक्स प्लस F मैक्स और इसको डबल कर ले, बोलिए है ना। अरे भाई बीटा की अगर यही वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या बैंडविड्थ का फॉर्मूला अगर थोड़ा आसान भाषा में लिखा जाए तो ऐसा भी तो आप लिख सकते थे ना। मैक्सिमम डेल्टा F का मतलब मैंने आपको बताया था, डेल्टा F का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। कहीं पर भी अगर डेल्टा F का हम लोग सिंबल यूज करते हैं उसका मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो कई कई बार आगे मैं ये भी करूंगा मॉड ऑफ डेल्टा FT मैक्स लिखने की बजाय उसको मैं डेल्टा F से डेजिग्नेट कर दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, समझ गए। तो मैं क्या करूंगा आगे से, क्योंकि ये सिंबल थोड़ा सा बार बार लिखना कन्वीनियंट नहीं होता है बट आपको समझना ऐसा ही, कहीं पे भी डेल्टा F में लिखता हूँ इट मींस कि आपको क्या लिखना है ये हमने लिखना है, ठीक है। तो चलो बताओ यहाँ पे इसकी बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी यार, अगर हम इसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट करें, चलो बीटा भी निकाल लो, बीटा इसका हो जाएगा 100/15 यानी कि 50 ये इसका बीटा आ गया, ठीक है। चलो मान लो बैंडविड्थ कैलकुलेट करना होता तो दो तरीके, या तो आप बीटा प्लस 1 करके 2F मैक्स कर लो, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि डेल्टा F को और उसको ऐड कर देते, डेल्टा F वहां पे निकला पड़ा है 100, ये हो जाता 15 और इसको डायरेक्टली आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, दोनों जगह से ही 230 kHz आपको आंसर मिल जाता, ठीक है। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, अगर आपको लग रहा है कि सर सीधे डेल्टा F कैलकुलेट कर लिया यहीं से निकाल दें तो कर सकते हो, डेल्टा F में F मैक्स जोड़ो उसको डबल कर लो, और बीटा अगर मान लो किसी क्वेश्चन में पूछता है तो बीटा की कैलकुलेशन आप स्पेसिफिकली अलग से यहां से कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या बीटा का 1 से काफी ज्यादा होना आपको यह भी बता रहा है कि ये वाइड बैंड FM का एक्सप्रेशन था, यस परफेक्ट। चलो अब पीएम वाले पे आ जाओ, पीएम के अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करना चाहें, ठीक है, इसी क्वेश्चन के 3 मॉडल हैं और ये मॉडल इस बार मैं गेट के एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इनमें से कोई एक मॉडल इन तीनों में से, ये बीपी लाठी के अनसॉल्व क्वेश्चन हैं तीनों के तीनों, ठीक है, ओके। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था बीटा PM प्लस 1 2F मैक्स, है ना, इसको अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो बताइए आपको कोई प्रॉब्लम, सेम ही लॉजिक से 2 times इसको कर लो, क्योंकि अगर आप बीटा PM भी कैलकुलेट करते तो फॉर्मूला तो सेम ही होता ना, डेल्टा F बाई F मैक्स, डेल्टा F का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, तो ये फॉर्मूला तो वैसे भी सेम ही रहता। चलिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। KP के बारे में हमें कभी डिबेट होती ही नहीं है, KP की यूनिट से कोई लेना देना नहीं होता है, ये है आपका KP 5π rad/V, है ना। तो यहाँ से जो बेसिक डेफिनेशन आएगी इट विल बी θIt ωCt प्लस KP MT। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा F की बात करता तो क्या डेल्टा F हमारा KP अपॉन 2π mod of dmt/dt max होता, है ना। अब देखो ये सेगमेंट आप
लास्ट टू लास्ट क्लास में कम से कम मैंने क्लास में आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए थे, तो इस पे तो आपको महारत हासिल होनी चाहिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे, ठीक है। मॉड ऑफ डीएमटी बाय डीटी मैक्स का मतलब क्या है कि आप जो आपको मैसेज सिग्नल दिया गया है उसका आप स्लोप कैलकुलेट करें। अब देखो मैसेज सिग्नल का अगर मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है तो यहाँ से यहाँ तक का गैप आपको कितना दिख रहा है, देखो अगर टोटल टाइम पीरियड 2 × 10⁻⁴ है तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁴। ये हाइट टोटल कितनी है 2, तो अगर मुझसे कोई इसका स्लोप पूछता कि ये जो आपको सेगमेंट दिख रहा है इसका स्लोप कितना आना चाहिए, तो ये स्लोप आपका हो जाता 2 × 10⁴, दिख रहा है ना। अरे भाई इसकी हाइट 2 है और ये गैप आपको यहाँ पे 10⁻⁴ है, तो 2 × 10⁻⁴ मतलब 2 × 10⁴, तो आपको यहाँ से डी एम टी बाई डी टी मैक्स की वैल्यू मिल जानी चाहिए थी। ये देखिए हो जाता आपका 5π, इसको आप 2π से डिवाइड करेंगे और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 20 × 10�³, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 50 kHz आप लोगों को मिलना चाहिए था मॉड ऑफ डेल्टा एफ टी मैक्स, जिसको कि मैं आप डेल्टा एफ से सिग्निफाई कर दे रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो मान लो कोई बीटा अगर पूछता तो बीटा हमारा हो जाता 50/13, और अगर कोई बैंडविड्थ पूछना चाहता तो आप चाहे बीटा के फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, अदरवाइज ये जो आपको डेल्टा एफ मिला था 50, इसमें एफ मैक्स को ऐड करके 2 से गुणा कर देना तो 130 kHz आपको यहां से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। तो एक ट्रायंगुलर मैसेज सिग्नल आपको दे रखा था, उसका ए पार्ट का मैंने आप लोगों को बैंडविड्थ कैलकुलेट करवा दिया और बीटा कैलकुलेट करवा दिया, डेल्टा एफ सब कुछ कैलकुलेट करवा दिया। अब इसके बी पार्ट में देखो उसने क्या चेंज किया है। उसने बोला है अभी भी आप बैंडविड्थ कैलकुलेट करिए मगर एम्पलीट्यूड ऑफ एम्प्टी डबल हो चुका है। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ एम्प्टी डबल हुआ तो मैंने इसको एक्सटी का नाम दे दिया और ये हो गया 2 times empty। आप नोट भी कर पा रहे होंगे कि एम्पलीट्यूड डबल होने की वजह से इसका ये 0.2 हो गया और ये -2 हो गया, मगर इसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जाहिर सी बात है अगर आप एम्पलीट्यूड एक्सिस को डबल कर रहे हो तो उससे टाइम पीरियड को कोई तो लेना देना है नहीं, तो टाइम पीरियड अगर आपका 2 × 10⁻⁴ था तो एफ नॉट आपका 10 kHz हो जाएगा। आई थिंक इट इज जस्टिफाइड, है ना, ठीक है। हाँ स्लोप भी डबल्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बट इसकी जो इसेंशियल बैंडविड्थ होगी, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो इसेंशियल बैंडविड्थ होगी मतलब कि इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट होगी, अगर इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ तो एफ नॉट चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी जो बैंडविड्थ है यू कैन कंसीडर इट टू बी अप टू 3rd हार्मोनिक, तो ये आपका एक हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल है। इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होंगी, इसमें आपका एफ नॉट भी होगा, 3f0 5f0, वो बोल रहा है 3rd हार्मोनिक तक आप इसके इसेंशियल बैंडविड्थ कंसिडर करना, मतलब इसका एफ मैक्स 15 kHz मेंटेन रहेगा। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जब भी कोई सिग्नल में आप कोई ऑपरेशन करते हो तो ऑपरेशन के बेसिस पे आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज भी चेंज होती हैं अगर वो ऑपरेशन आपका टाइम डोमेन में हो रहा है तो, है ना। जैसे मान लो अगर ये बोलता कि मैं इसका टाइम स्केलिंग कर दे रहा हूँ, इसको कंप्रेस कर दे रहा हूँ, इसको एक्सपैंड कर दे रहा हूँ, फिर आपका ना ये एफ मैक्स पे अच्छा खासा फर्क पड़ता है। सी पार्ट में हम लोग वही वाला सेगमेंट करने वाले हैं, ठीक है। खैर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अपना, तो आइए इसकी बैंडविड्थ की चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एफएम को पिक्चर में लेके आते हैं और एफएम में हमसे पूछा गया कि इसकी बैंडविड्थ बताइए, ठीक है। ठीक है तो इसकी बैंडविड्थ एफएम की क्या हो जाएगी, एफएम की अगर हम लोग बैंडविड्थ कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हम ऐसा लिख सकते थे, डेल्टा एफ प्लस एफ मैक्स और इसी को हम 2 times कर लेते, ठीक है। यहाँ पर अगर हम डेल्टा एफ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो शुरुआत तो KF से ही होगी, 2π × 10⁵ रेडियन पर वोल्ट सेकेंड, तो यहाँ से जो आपकी बेसिक डेफिनेशन आएगी ωIT = ωC + KF, अब MT की जगह मैं XT लिख दे रहा हूँ, चल जाएगा। बोलिए ज़रा, अगर मैं यहाँ पे MT की जगह पे XT लिख दूँ तो क्या ये बात हम सभी लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, क्यों, क्योंकि इस बार MT की जगह पे आपको XT देखने को मिलेगा। तो अगर मुझसे कोई डेल्टा एफ यहाँ पे पूछता तो क्या उसकी वैल्यू में KF अपॉन 2π मॉड ऑफ XT मैक्स लिखता है, यहाँ पे मॉड ऑफ XT मैक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो जो यहाँ से डेल्टा एफ आप सभी लोगों को मिलेगा इट शुड कम आउट टू बी 2 KF कितना दे रखा था, ये दिया KF 10⁵, तो 200 kHz आपको दिख जाता, ठीक है। 200 kHz आप सभी लोगों को डेल्टा एफ यहाँ से दिखना चाहिए था। अगर कोई हमसे ये पूछता कि यहाँ पे बीटा का क्या आंसर होगा, है ना, तो बीटा हम सभी को पता होता है, बीटा हो जाएगा डेल्टा एफ अपॉन
एफ मैक्स, तो ये आपको मिलता 200/15, है ना। बट अगर कोई बैंडविड्थ के बारे में पूछता तो बैंडविड्थ आपको क्या मिल जाता, 2 × 200 + 15, यानी कि 430 किलोहर्ट्ज आपको इसकी बैंडविड्थ मिलनी चाहिए थी एफएम के केस में, है ना। क्लियर है। बीटा की वैल्यू में आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है लास्ट वाले क्वेश्चन में, बीटा आपका क्या होता है, डेल्टा एफ कैलकुलेट कर लो, उसको एफ मैक्स से डिवाइड कर दो, डेल्टा एफ आया 50, एफ मैक्स आपका आ गया कितना 15, तो ये 15/15 कर लो, ये आपका बीटा हो गया, है ना। बीटा में क्या कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब बीटा में तो आप देखो कोई फॉर्मूला तो हमें याद ही नहीं है। अगर आप पूछोगे सर कोई फॉर्मूला याद है, कोई फॉर्मूला हमें याद नहीं भाई। अगर एफ एम की बात कर रहा है तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला ऐसे लिखो, या फिर आप ऐसा लिख लो बीटा एफ एम प्लस 1 × 2 f max, ऐसा कर लो। अब कुल मिला जुला के आपको बीटा कैलकुलेट करना है, जब आप बीटा कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप डेल्टा एफ बाई एफ मैक्स कैलकुलेट करो, बाकी डेल्टा एफ कैलकुलेट करना, एफ मैक्स कैलकुलेट करना, ये तो आप लास्ट लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में वैसे भी सीख चुके हो, है ना। ठीक है, आइए जरा पीएम की बात करते हैं। ये लो पीएम, अगर हम पीएम की कैलकुलेशन करें तो पीएम के केस में पीएम की बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, ठीक है। पीएम की अगर आप बैंडविड्थ लिखना चाहते हो तो यही होगा कि आप इसका पीएम कैलकुलेट करो, बीटा कैलकुलेट करो और 2 × एफ मैक्स कर लेना। किसी को अगर अच्छा ऐसा लगे, किसी को अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर डेल्टा एफ और एफ मैक्स निकाल के उसके बाद डबल करेंगे, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें से कर लीजिए। अब इसमें से कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको परफॉर्म करनी है तो उसके लिए डेल्टा एफ चाहिए। के पी इस क्वेश्चन में आपको दे रखा था 5 π/rad/V, इसके हिसाब से जो थीटा आई टी की डेफिनेशन बनती, ये सब तो अब तक आप लोगों को रट जाना चाहिए, मतलब नींद में भी ये सारी चीज़ें आप सबसे होनी चाहिए। तो डेल्टा एफ यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, पहले ओमेगा आई करोगे, फिर 2 π से डिवाइड करोगे, फिर मॉड ऑफ dmt/dt max करोगे। इस बार बताओ मॉड ऑफ dmt/dt max कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका होगा 5 π/2 π और ये आपका हो जाएगा 40 kHz, 40 × 10³। कैसे, ये ग्राफ आपके सामने, इसमें स्लोप कैलकुलेट करके देखो। इस सेगमेंट का अगर हम स्लोप कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, सेम 10⁻⁴, मगर हाइट अभी कितनी है 4, तो अगर स्लोप की आप बात करोगे तो क्या स्लोप आपको 4 × 10⁴ दिख रहा है, यानी कि 40, है ना। और अगर उसकी वैल्यू 40 आ गई तो ये आपको मिल गया यहाँ पे, ये देखिए। अब ये वैल्यूज आप उठा के पुट कर सकते हो, डेल्टा एफ में एक बार लिख भी देता हूँ, यहाँ पे डेल्टा एफ आपको मिल जाएगा 200 kHz, 100 kHz, 200 नहीं 100 kHz। अब यहाँ पे अगर आपको बीटा कैलकुलेट करने का मन है तो बीटा कैलकुलेट कर लो, डेल्टा एफ बाय एफ मैक्स, डेल्टा एफ आपको कितना दे रखा था 100 और ये था आपका 50, ठीक है। ये तो आपने बीटा भी कैलकुलेट कर लिया, और अगर कोई बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए बोलता तो बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए जो भी फॉर्मूला आपको अच्छा लगे, 100 + 15 × 2, ये आपको मिल जाता 230 kHz। बात समझ आई, क्लियर हो गया ना सारा का सारा कैलकुलेशन कैसे करना है। तो बैंडविड्थ निकालने के लिए अगर आपको मन है बीटा प्लस 1 करके 2f max करोगे, कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस केस में बीटा निकालना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है डेल्टा एफ प्लस एफ मैक्स करके डबल कर लूंगा तो वैसा कर लो, उस केस में बीटा नहीं निकालना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब इसके सी पार्ट में आ जाओ। ये पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, इसमें बोला जा रहा है कैलकुलेट बैंडविड्थ ऑफ एफ एम एंड पीएम इफ एमटी इज टाइम एक्सपैंडेड बाई ए फैक्टर 2। टाइम एक्सपैंडेड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। देखिए टाइम एक्सपैंडेड का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई सिग्नल एम टी है, ठीक है, और एम टी को मैं दो ऑपरेशंस करता हूँ, ये हो गया एम ऑफ 2t और ये हो गया एम ऑफ t/2। चलो बताओ इसमें से किसको टाइम एक्सपेंशन माना जाएगा और किसको टाइम कंप्रेशन माना जाएगा, सभी लोग बताएंगे। ऊपर वाले को आप क्या बोलोगे, टाइम एक्सपेंशन या टाइम कंप्रेशन? तो जब आप एम ऑफ 2t करते हो तो ये आपका क्या होता है, कंप्रेशन, है ना, और जब आप ऐसा करते हो तो क्या होता है, एक्सपेंशन, करेक्ट। तो ऊपर वाला कंप्रेशन, नीचे वाला
एक्सपेंशन। आप मुझे बताइए, अगर किसी भी सिग्नल को आप टाइम डोमेन में एक्सपैंड करते हो तो क्या फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो कंप्रेस हो जाता है? भाई टाइम डोमेन में अगर आप उसको एक्सपैंड कर रहे हो तो टाइम डोमेन में एक्सपैंड करने का मतलब क्या हुआ कि इस बार जो इसका टाइम पीरियड था पहले 2 × 10⁻⁴ था, अब 4 × 10⁻⁴ हो जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2.5 kHz हो जाएगी? बताइए, यस है ना। तो आप मुझे खुद बताइए कि अगर ये सिग्नल टाइम डोमेन में कंप्रेस हुआ है तो फ्रीक्वेंसी, सॉरी टाइम डोमेन में एक्सपैंड हुआ है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो इसका कंप्रेस होना तय था ना। यानी इस बार इसकी जो एफ मैक्स आती वो थर्ड हार्मोनिक पे तो आपका प्रेजेंट है, बट एफ नॉट की वैल्यू चेंज होने की वजह से क्या इसका एफ मैक्स अभी 7.5 kHz होगा? सोच समझ के बताएंगे सभी लोग इस चीज को, समझ गए ना। तो एफ मैक्स यहां 15 kHz मत ले लेना। अरे भाई आपने एक्सपैंड किया, उसका टाइम पीरियड बढ़ गया 4 × 10⁻⁴। तो अगर टाइम पीरियड उसका बढ़ गया 4 × 10⁻⁴ तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कम हुई। तो अगर अब आप 3f0 करोगे तो 3f0 करने की वजह से आपका जो एफ मैक्स है वो तो इवेंचुअली रिड्यूस हुआ ना। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बस फिर से चालू हो जाओ इसमें, वही घिसा पिटा तरीका, FM को ले लो। FM लेने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले बैंडविड्थ की चर्चा करना चाहते हो तो FM की बैंडविड्थ हो जाएगी FM का बीटा प्लस 1 × 2 × एफ मैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डेल्टा F कैलकुलेट करने की नौबत आएगी। KF की यूनिट क्वेश्चन में आपको दे रखी है 2π × 10⁵ रेडियन पर वोल्ट सेकेंड। तो यहाँ से जो आपका डेल्टा एफ आ जाएगा वो आप लोगों को अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इतने क्वेश्चंस करने के बाद। KF/2π mod of mt max, ठीक है। बताना इससे डेल्टा एफ की वैल्यू क्या अभी भी 100 kHz ही आने वाली, चेक करके बताना। मॉड ऑफ एमटी मैक्स तो अभी 1 ही आएगा ना, चेक करो, देखो ये 1 ये 1, तो ये मॉड ऑफ एमटी मैक्स की वैल्यू तो आपको कितनी मिलने वाली, एग्जैक्टली 1 के बराबर मिलने वाली। बहुत ही बढ़िया, तो यहां से डेल्टा एफ आपका 100 आ गया। तो बैंडविड्थ, चलो बीटा भी निकाल ही देते हैं, यहीं पे बीटा में निकाल देता हूं। बीटा अगर आप निकालोगे तो डेल्टा एफ अपॉन एफ मैक्स, तो ये आपको मिलेगा 100/7.5 मिला, ये आपका बीटा एफ एम आ गया। चलो तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, यही दोनों आपके क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं, समटाइम्स डेल्टा एफ समटाइम्स बीटा, ये दोनों अगर आप निकाल लोगे मोस्टली कैलकुलेशंस आपकी डन हो जाएगी। बाकी बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए आप डेल्टा एफ आपने कैलकुलेट किया था 100, एफ मैक्स आपका था 7.5, इसको सीधा 2 से गुणा कर दो तो ये आंसर आपको 215 kHz यहाँ पे मिल जाएगा। मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार, जितने भी लोग 215 kHz बता पा रहे हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप लोग चल रहे हो, ठीक है। बाकी लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा 215 kHz, आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। पीएम की बता दो अगर किसी ने कैलकुलेशन कर रखी हो तो, कोई ऐसा है जिन्होंने पीएम की कैलकुलेशन भी कर ली है और उनका आंसर आ चुका है? चलो पीएम की कैलकुलेशन भी लगे हाथ निपटा देते हैं, तो पीएम की कैलकुलेशन पे आइए। पीएम की कैलकुलेशन में फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बैंडविड्थ ऑफ पीएम आपको कैलकुलेट करना है, दिस विल बिकम बीटा पीएम प्लस 1 × 2 एफ मैक्स, ठीक है। यहां से अगर आप इसका डेल्टा एफ कैलकुलेट करना चाहें, अगर आप इसका केपी देखें तो केपी आपको दे रखा था 5π rad/V, ठीक है। तो यहां से इसका जो डेल्टा एफ आएगा इट विल बी KP/2π mod of dmt/dt max। अब आप इसके स्लोप निकाल के इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करिए। देखो स्लोप यहां से यहां तक का गैप अभी कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁴। तो इसका स्लोप अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 10⁴। दिख रहा स्लोप, परफेक्ट, स्लोप आपको दिख गया 10⁴। आइए इसकी वैल्यूज यहां पे पुट कर देते हैं, तो डेल्टा एफ आपको मिलेगा 5π/2π × 10⁴, यानी कि 25 kHz मिलेगा। अगर मान लो कोई बीटा पीएम हमसे पूछना चाहता तो वो हो जाता 25/7.5। ये दोनों क्रिटिकल पैरामीटर्स हो गए, अगर ये दोनों चीज़ें कैलकुलेटेड हैं तो मोस्टली चीज़ें आप यहां से निकाल सकते हो। रही बात बैंडविड्थ की, तो अगर बैंडविड्थ कैलकुलेट करना चाहते हो आप सभी लोग
तो आप डेल्टा एफ और एफ मैक्स को आपस में ऐड कर दो, 25 + 7.5 × 2 यानी कि 65 kHz आपका यहाँ से आंसर आ जाना चाहिए। तो अब इस टाइप का मॉडल आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इजीली कर लेंगे, जहाँ पे मैसेज सिग्नल का एक कोई रैंडम शेप दिया रहेगा और केपी केएफ की वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा एफएम की पीएम के बैंडविड्थ निकालिए। उसमें वो वेरिएशंस भी कर सकता है, आपके मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड को घटाया बढ़ा सकता है, आपके सिग्नल को टाइम डोमेन में कंप्रेस या एक्सपैंड कर सकता है। डन है, ठीक है। बैंडविड्थ पूछ सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चंस की, बीटा पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चंस का, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन आप कैलकुलेट ही कर रहे थे डे बिफोर यस्टरडे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए और इस क्वेश्चन को भी आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका प्रोकिस का अनसॉल्व क्वेश्चन, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन आपने किए वो बीपी लाठी के अनसॉल्व क्वेश्चन थे, ठीक है। आइए प्रोकिस के क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला जा रहा है पैरामीटर्स ऑफ द मैसेज सिग्नल इज 4 × 10⁻⁴ और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसने मेंशन कर रखी है 2.5 kHz, ठीक है। ये है मैसेज सिग्नल, यहाँ पे देखो उसने मैसेज सिग्नल का शेप भी दे रखा है ये, और यहाँ पे भी उसने शो कर रखा है कि उसका टाइम पीरियड 4 × 10⁻⁴ है। आगे बोल रहा है एमटी कंटेन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट अप टू फिफ्थ हार्मोनिक, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट अप टू फिफ्थ हार्मोनिक कंटेन कर रहा है। चलो बहुत ही शानदार, पूछा गया है कैलकुलेट द बैंडविड्थ ऑफ एफएम, कर लेंगे सभी लोग ये क्वेश्चन, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। एफएम की बैंडविड्थ हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, क्या होती है एफएम की बैंडविड्थ, अगर हमें एफएम की बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है तो फिर से भाई बैंडविड्थ ऑफ एफएम अगर कैलकुलेट करना है तो हम लिख सकते हैं इसको बीटा एफएम, इसमें हमने एक ऐड कर दिया और ये हो गया 2 × f max। रही बात एफ मैक्स की, तो मेरे ख्याल से वो यहीं से बहुत क्लियर है। इसका अगर हम एफ मैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं इस सिग्नल का, तो ये एफ मैक्स क्वेश्चन में दे रखा है 5 f0, है ना। फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब 5 f0 हो गया, हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल्स हैं, इसमें सारे ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगे, एफ नॉट 3 f0 5 f0 7 f0 एंड सो ऑन, है ना। एफ नॉट की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें 2.5 kHz दिख रही है, यानी कि ये मिल गया आपको 12.5 kHz, बहुत ही बढ़िया 12.5 kHz सभी लोगों को यहाँ से दिखना चाहिए। चलो अब इसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए होगा डेल्टा एफ, डेल्टा एफ के लिए हमें कोई फार्मूला तो आता नहीं है, तो के एफ के बारे में देखते हैं क्या दे रखा है डिटेल। के एफ बोल रखा है 3 kHz/V, अगर उसने के एफ की यूनिट 3 kHz/V दे रखी है तो क्या हम एफ एम का ये बेसिक फार्मूला यूज़ करें FC + KFMT, बिल्कुल। तो यहाँ से डेल्टा एफ क्या हो जाना चाहिए, डेल्टा एफ हो जाना चाहिए के एफ मॉड ऑफ एम टी मैक्स, करेक्ट। चलो के एफ की वैल्यू देखो कितनी दे रखी थी, 3, मॉड ऑफ एम टी मैक्स कितना हो जाएगा यहां से देखो 1 - 1, तो ये हो गया 1, यानी कि डेल्टा एफ की वैल्यू इवेंचुअली मिल गई आपको 3 kHz। अगर डेल्टा एफ 3 kHz मिला यहां से तो आप बीटा बता सकते हो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, बीटा आपको मिलेगा डेल्टा एफ बाई एफ मैक्स, यानी कि ये वैल्यू मिल जाएगी 3/12.5, यही मिल रही है, करेक्ट। अब देखो बीटा जो यहां से मिल रहा है क्या इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम आ रही है, चेक करना, बीटा जो आप यहां पे देख रहे हो क्या इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम है, यानी कि नैरो बैंड एफएम का केस हो गया भाई, बीटा की वैल्यू अगर काफी कम हुई तो नैरो बैंड एफएम का केस हो गया। तो बहुत सारे लोग यहां पे गलती क्या करते हैं कि नैरो बैंड एफएम की बैंडविड्थ निकालने के लिए बैंडविड्थ का फॉर्मूला डायरेक्टली 2 fm लिख देते हैं। याद है हम लोगों ने नैरो बैंड एफएम में बैंडविड्थ कैलकुलेट की थी, कि उसमें एक कैरियर कंपोनेंट था और उसके बगल में साइड बैंड आ रहा था, तो उसकी बैंडविड्थ हमने 2 fm कर दी थी। हमेशा याद रखिएगा, चाहे fm का क्वेश्चन है चाहे pm का क्वेश्चन है, कभी भी बैंडविड्थ की कैलकुलेशन करनी हो, हमेशा बैंडविड्थ की कैलकुलेशन के लिए आपको यही फार्मूला यूज करना चाहिए। कभी भी 2 fm वाला फार्मूला यूज मत करना, वो हमेशा अप्रॉक्सीमेट फार्मूला होता है, ये आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देता है। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, तो वो फॉर्मूला कभी आप गलती से भी यूज मत करना, ओके। चलिए आइए जरा देखते हैं। तो अगर हम यहां से सपोज इसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बीटा हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया, या इनफैक्ट डेल्टा एफ ही ले लेते हैं, तो ये मिल गया 3 + 1 × 7.5 डेल्टा एफ
प्लस 7.5 इंटू 12.5 है ना, एफ मैक्स इसका 12.5 इंटू 2, तो यहां से 31 किलोहर्ट्स आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक समझ गए ना, कौन सी नहीं करनी है, ये मत करना। अगर ये वेरी 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 मच लेस देन वन आ गया तो एनबीएफएम वाला फॉर्मुला मत लगा देना। हाँ, ये केस ऑफ नैरो बैंड एफएम है, आई एक्सेप्ट इट, बट बैंडविड्थ आपकी हमेशा जो कैलकुलेट होगी वो कार्सन्स रूल से ही होनी चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि ये आपका नैरो बैंड एफएम है या वाइड बैंड एफएम है ना। बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए बीटा का पे कोई जोर नहीं है, ठीक है। बैंडविड्थ कैलकुलेशन के लिए हमेशा आपको कार्सन्स रूल ही यूज करना चाहिए, हमेशा हमेशा। ओके, क्योंकि देखो जो वहां पे आप बोल रहे हो ना कि एक कैरियर और दो साइड बैंड आ रहा है, वो एक अप्रोक्सीमेट एजम्पशन है। आपने वहां पे थीटा को बहुत छोटा माना था ना, तो थीटा को बहुत छोटा मानने के बाद, बहुत सारे एजम्पशंस लगाने के बाद आपने बोला था कि हाँ भाई इसको नैरो बैंड एफएम मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चले। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हमने बैंडविड्थ वाले प्रॉपर क्वेश्चंस कर लिए, अब आते हैं ऐसे सारे क्वेश्चंस करने के लिए जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा है एसी कॉस ओमेगा सीटी प्लस बीटा साइन टू पाई एफएमटी, तो बीटा के बेसिस पे उसी सेम एक्सप्रेशन को आप दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। याद है सभी लोगों को? याद है? ठीक है, तो आइए अब उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में आपको एक कैरियर सिग्नल दिया है 5 cos 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 60 और एक मैसेज सिग्नल दिया है cos 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 3t। मैसेज सिग्नल और कैरियर को एक एफएम मॉड्यूलेटर से पास करके एक एफएम सिग्नल जनरेट कर रहा है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ एफएम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ एफएम इज 3 times बैंडविड्थ ऑफ एएम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई बता सकता है ये क्या दे रखा है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ एफएम मतलब डेल्टा एफ, डेल्टा एफ का मतलब आप समझ रहे होंगे, डेल्टा एफ टी मॉड मैक्स, उसी को शॉर्ट में डेल्टा एफ लिखा जाता है। कभी भी डेल्टा एफ लिखा जाए उसका मतलब होता है डेल्टा एफ टी मॉड मैक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू बोल रहा है 3 times बैंडविड्थ ऑफ एफएम, एएम, एएम की बैंडविड्थ यही होती है, चेक करिए है ना। नहीं, डेल्टा एफ इज इक्वल टू 2f max नहीं बोला है, डेल्टा एफ इज इक्वल टू 3 times बैंडविड्थ ऑफ एएम, तो ये अंदर एएम की बैंडविड्थ लिखिए। देखो क्या यहां से डेल्टा एफ बाय एफ मैक्स मिल गया आपको 6, क्या ये बीटा है या नहीं बोलो। और अगर ये बीटा है तो ये बीटा 1 से अच्छा खासा बड़ा है, यानी कि क्या ये डब्ल्यू बी एफ एम का केस हुआ? तो बीटा 6 मिल गया और साथ के साथ ये डब्ल्यू बी एफ एम का केस हो गया। अगर ये डब्ल्यू बी एफ एम का केस है तो ये एम टी मैसेज सिग्नल देखो सिंगल टोन है, चेक करके देखो, देखो मैसेज सिग्नल सिंगल टोन है, कैरियर तो सिंगल टोन होता ही था, होता था ना कैरियर सिंगल टोन। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहां पे जो एफएम सिग्नल जनरेट होगा, दोनों कॉस कॉस मेंशन कर रखे थे, ठीक है, तो क्या इस मैसेज सिग्नल को मैं ऐसा लिख सकता था, सॉरी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को मैं ऐसा लिख सकता था एसी कॉस 2πfct प्लस बीटा साइन 2πfmt। एक बार बताएंगे सभी लोग भाई, अगर हमारे पास एक कैरियर सिग्नल मेंशन कर रखा है और एक मैसेज सिग्नल मेंशन कर रखा है, दोनों अगर कॉस कॉस में है, तो क्या हम एक जनरल एक्सप्रेशन अपने एफएम सिग्नल का ऐसा लिखें तो किसी को कोई आपत्ति है क्या इसमें, बोलिए। आप बोलोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज मैं आपसे और पूछता हूं, अगर मान लो यहां पर मैं ऐसा बोलूं कि जो हमारा बीटा है ना वो 6 आ रहा था, विच मीन्स जो बीटा है वो 1 से बड़ा आ रहा था, तो क्या एग्जैक्टली इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐसा लिख दूं तो भी मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये दोनों तो फिर सेम ही हो गए, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एसी जेएन बीटा कॉस 2π एफसी प्लस एन एफएम इनटू टी। बेसिक समझना है ना,
हमेशा बेसिक से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। ये एक्सप्रेशन जो है ये तब लिखा जाता है जब आपका मैसेज सिग्नल सिंगल टोन हो और कैरियर सिग्नल आपका सिंगल टोन हो, दोनों अगर कॉस में है ये एक्सप्रेशन आप लिख दीजिए। और अगर कभी बीटा वन से ज़्यादा हो गया तो एग्जैक्टली इसी एक्सप्रेशन को ऐसा मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करने के लिए या फिर इसका स्पेक्ट्रम वगैरह प्लॉट करने के लिए। पहले तो एक बार इस इतनी चीज़ों पर आप हामी भरिए, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है ना ये बात? चलो बहुत ही शानदार। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कॉस 2 पाई इनटू 1016 इनटू 10 टू द पावर 3 टी इन एफएम सिग्नल एक्सप्रेशन। तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं, देखो हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब मैं यहां पे सारी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करता हूं जितनी वैल्यूज मुझको यहां पे पता है। ठीक है, देखिए यहां से आप देख के बताइए एसी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको इस क्वेश्चन में, 10। FC की वैल्यू कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, 10 to the power 6। FM की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 into 10 to the power 3। चेक कर लो एक बार ये चेक कर लो फटाफट। क्लियर है? AC की वैल्यू 10, FC इतना इतना, तो जितनी वैल्यूज पता है सब उठा के यहां पे पुट कर देते हैं। बीटा भी आपको पता है, बीटा भी रख देंगे, -∞ to ∞ 5 JN, यहां पे बीटा की वैल्यू 6 आई थी इसको 6 कर लेते हैं, कॉस 2 पाई, एफसी आपका था 1000 के, प्लस एन ये आपका था 2, 10 टू द पावर 3 को बाहर कर लेते हैं और टी ऐसा लिख देते हैं। देखो ठीक है, एफसी था आपका 1 MHz 10 to the power 6, तो 1000 अंदर रखा और 10 टू द पावर 3 बाहर कर दिया, और ये 2 kHz था तो 10 टू द पावर 3 बाहर कर दिया। करेक्ट? हाँ ठीक है, आगे बढ़े। हाँ एसी 5 था, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, इसको आप 5 कर लीजिए। एसी इस क्वेश्चन में आपको 5 दे रखा था। ठीक है चलो, अगर इतनी बात हम सभी को क्लियर है तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, कॉस 2 पाई 1016 इंटू 10 टू द पावर 3 टी, इसका टर्म हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कॉस 2 पाई इंटू 1016 इंटू 10 टू द पावर 3 टी इसका कोएफिशिएंट। अच्छा एक चीज बताना, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो क्या इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, बट यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हमें लाने के लिए बोल रहा है, यानी कि इसके अंदर वाला ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्या इस एक्सप्रेशन को अगर हम क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो क्या एन की वैल्यू हमको मिल सकती है यहां से? आइए कंपेयर करके देखिए, 2 पाई को तो हटा दो, 10 टू द पावर 3 को भी हटा दो, तो आपको दिखेगा 1000 प्लस 2n बराबर 1016, और n की वैल्यू यहां से आपको क्या मिल जाएगी, 8, है ना? ठीक है, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में n माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है और n की जगह पे 8 रख दूं तो इनफाइनाइट टर्म्स में से सिर्फ एक ही टर्म मुझे देखने को मिलेगा और वो टर्म आपका हो जाएगा 5 J8 6 कॉस 2 पाई इंटू 1016 इंटू 10 टू द पावर 3 टी। ठीक है, तो इनफाइनाइट टर्म्स में से एक टर्म ये मिलेगा और इतना जो था इसी का वो हमसे क्या पूछ रहा था, कोएफिशिएंट, तो आंसर हो जाता बेसेल्स फंक्शन के फॉर्म में इतना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह जाके देखोगे तो जो आपको ऑप्शंस भी दिखेंगे ना वो बेसेल्स फंक्शन के फॉर्म में ही देखने को मिलेंगे, है ना? तो ऐसा नहीं कि हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, कुछ ऐसा हमें बेसेल्स फंक्शन के फॉर्म में आंसर देखने को मिलेंगे। बताओ क्या सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आपने सीखी, मैसेज सिग्नल सिंगल टोन, कैरियर सिग्नल सिंगल टोन, उसके दो एक्सप्रेशन पता होने चाहिए, ये भी दोनों सेम है ना? जब भी वो आपसे कभी बेसेल्स फंक्शन की बात करे, कभी कुछ पर्टिकुलर कॉस की बात करे, कोई फ्रीक्वेंसी की बात करे, तो आप हमेशा इस एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहां से कुछ भी आइडिया लगने वाला नहीं। जब इसमें आपने कन्वर्ट कर दिया तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइनोसॉइड्स अलग अलग करके दिखने लगे, उसमें से एक साइनोसॉइड की आपसे क्या पूछा था उसने, एम्पलीट्यूड या कोएफिशिएंट। ओके ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जरा देखिए, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको घर पे ट्राई कर लेना, ये क्वेश्चन करो। ठीक है, ये होमवर्क है, ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करना। इस क्वेश्चन में बस एक छोटा सा फर्क ये है कि उसने एफएम की जगह पे पीएम वर्ड यूज कर लिया है, ठीक है,
और मैसेज सिग्नल को उसने साइन की जगह पे कॉस की जगह पे साइन कर दिया। देख रहे हो आप लोग, दो चेंजेस उसने किए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से एक ही चीज़ होगी कि इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा ये आपका बनेगा 5 cos ωct 2π, मैं ऐसा लिख देता हूँ। इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा AC cos ωct + β sin ωmt, है ना। देखो एक्सप्रेशन सेम बन गया ना भाई। अगर आपका FM मॉड्यूलेटर होता है तो ये भी कॉस होना चाहिए, ये भी कॉस होना चाहिए, क्योंकि FM के केस में ये वाला जो कॉस है मैसेज वाला, ये इंटीग्रेट होने के बाद यहाँ पे जनरेट होता है। जबकि PM के केस में क्या होता है, AC cos ωct + KPMT, तो KPMT में डायरेक्टली ये साइन आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। और देखो क्या ये एग्जैक्ट वही फॉर्मेट बन गया जिसकी हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, AC cos ωct + β sin ωmt। जब भी आपको ये एक्सप्रेशन दिखेगा AC cos ωct + β sin ωmt, आप इसको फर्दर किस में एक्सपैंड कर सकते थे, आप इसको फर्दर लिख सकते थे अगेन n = −∞ to ∞ AC gn β cos 2πfc + nfm into t। आइडिया क्लियर हो गया ना। तो दो मॉडल के क्वेश्चन इस पर बनाए जा सकते हैं। पहले मॉडल का जो क्वेश्चन होता है उसमें मैसेज को भी कॉस में देगा, कैरियर को भी कॉस में देगा और एफएम वर्ड यूज कर लेगा, तब भी आपका एग्जैक्ट यही एक्सप्रेशन बनेगा। और सेकंड में कैरियर तो कॉस में रहेगा ही रहेगा, बट जो आपका मैसेज सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा साइन में और वर्ड यूज कर लेगा पीएम। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको कन्फर्म करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर एवरीवन? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आइए जरा देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है एन एफएम सिग्नल इज गिवन एज, ये देखो ये एफएम सिग्नल आपको दिया गया है। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है यहां से मैं क्या क्या कंपेयर करके निकाल सकता हूं? क्या मैं यहां से एसी की वैल्यू 100 लिख सकता था? यस। एफसी के बारे में तो कुछ दिया नहीं, एफसीटी यहां पे होना चाहिए था, टी लिखना वो भूल गया, ये लो एफसीटी कर दिया। ठीक है, हाँ चलो बताओ क्या बीटा की वैल्यू मैं 4 बोल सकता था? क्या मैं यहां से एफएम की वैल्यू 3 kHz बोल सकता था? चेक करके बताइए। एफसी उसने यहां पे खुद ही बोल दिया 1 MHz, तो एफसी को मैं 1000K बोल देता हूं। ठीक है, बताओ क्या इतना डेटा उसने क्वेश्चन में खुद बखुद दे रखा था? जस्ट कंपेयर करने की आपको जरूरत थी, दैट्स इट। करेक्ट। तो क्वेश्चन में सबसे पहले पार्ट में पूछा था कैलकुलेट मॉड्यूलेशन इंडेक्स, क्या पहला पार्ट डन है हमारा? बताओ क्या मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 4 के बराबर है? पहला पार्ट तो डन है। सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कॉस 2π, जो भी पूछा है, इन टर्म्स ऑफ बेसेल्स फंक्शन। ये खुद ही उसने क्वेश्चन में बोल रखा है, करेक्ट है? बताओ क्या तरीका बिल्कुल सेम है, सेम तरीके से अप्रोच करें? आइए देखते हैं। हमारे पास एक एक्सप्रेशन था SFMT का AC cos ωct + β sin ωmt। ठीक है, इसमें आपका मैसेज सिग्नल कैसा था? सिंगल टोन। कैरियर सिग्नल कैसा था? सिंगल टोन। दोनों कॉस रहे होंगे तभी एक्सप्रेशन मिला होगा। बीटा की वैल्यू यहां से मिल गई 4, विच इज ऑब्वियसली प्रिटी मच ग्रेटर देन 1। तो क्या इसी ST को मैं मॉडिफाई करके अगर ऐसा लिख दूं, तो आप में से किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति इसमें है? cos 2π × FC + nfm × t। चलिए ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद अब मैं सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू है 100। ठीक है, n = −∞ to ∞ jn β आपने कैलकुलेट किया था 4 आ गया था, cos 2π fc आप सभी लोगों का था 1000K, तो 1000K तो मैं 1000 अंदर लिख लेता हूँ। fm आप सभी लोगों का था 3 और × 10³ को मैं कर देता हूँ बाहर, करेक्ट? डन। अब किसको कंपेयर करना था? कंपेयर उसको करना था क्वेश्चन में 2010 कहां से आ जाएगा,
क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, मैं चेक करता हूँ एक बार। मेरे ख्याल से ये 2010 तो नहीं होना चाहिए, लेट मी चेक। ये आपका होना चाहिए 2016 भी नहीं है, 2018 है ये, ठीक है इसको सही कर लो। ये 2018 है, उसने 2010 लिख दिया था, इसको इसको 18 कर लो। ओके है ना, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, चलो कंपेयर करते हैं। यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं इसी एक्सप्रेशन में, एन की वैल्यू निकालो। 2018 पाई इंटू 10^3, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 1000 + 3n। एन की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके बताइए कितनी मिल रही है आप सभी लोगों को, 3 मिल जाएगी। मिल रहा 3, अगर n की वैल्यू 3 मिल गई तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा इस टर्म का, कोएफिशिएंट मिल जाएगा आपको इक्वल टू 100 j3 4। कितने लोगों ने ये आंसर कैलकुलेट कर लिया था, क्लियर है? तो ये इसका बी पार्ट हो गया। चलो आई थिंक दिस इज क्लियर। सी पार्ट में देखो पूछा है 1976 पाई 2024 पाई, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं है ना। तो बी वाले पार्ट को ही आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ये लो सी पार्ट को, ये आपका हो जाएगा 2 पाई इंटू 1000 + 3n इंटू 10^3। ये बोल रखा था 1976 पाई इंटू 10^3, ठीक है। तो ये बचेगा 1000 + 3n, 2 पाई से आप डिवाइड करोगे तो 18 2 8 16 8 16, एन इक्वल टू 4 आ जाएगा, आ रहा 4। चलो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन उसने दे रखा था, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड वाला एक्सप्रेशन उसने दे रखा था 2 पाई 1000 + 3n इंटू 10^3, 2024 पाई इंटू 10^3। यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी -4, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको कोएफिशिएंट देखने को मिलेगा वो होगा 100 j4 4, यहाँ से देखने को मिलेगा 100 j-4 4, इन दोनों का रेशियो पूछा था। रेशियो हो जाएगा 100 j4 4 डिवाइडेड बाई 100 j-4 4, और आंसर आपको मिल जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। j-n beta इज इक्वल टू -1 to the power n j n beta, ठीक है। तो जब अगर n की वैल्यू आपकी इवन है, सॉरी हाँ n की वैल्यू इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या अगले सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं हम लोग? बोलिए, शुड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन में इस बार उसने कुछ बेसेल्स फंक्शंस का डेटा भी दे रखा है, J10, J12, J14, J18, सम बेसेल्स फंक्शंस डेटा इज ऑलरेडी गिवन टू अस, है ना, ठीक है। जरा इसको देखिए, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखें तो उसने यहाँ पे एक मैसेज सिग्नल अप्लाई करा हुआ है। इस मैसेज सिग्नल की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है या जो इसका एफएम है ये दे रखा है 5 kHz, और ये भी बोल रहा है कि ये सिंगल टोन साइनोसॉइडल सिग्नल है, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में डेटा दे रखा है, सही बात है, चेक करो। हाँ फर्स्ट वाला -4 होगा, सेकंड वाला मैंने क्या लिखा हुआ है, ये -4 होगा ना क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होगा आपका,
ठीक है? ओके चलो, तो यहां पे उसने ये डेटा आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा था। चलो आगे देखते हैं, फिर क्या कर रहा है यहां पे, उसने कैरियर सिग्नल जनरेट कर रखा है एफसी का, इसी सिग्नल को एएम मॉड्यूलेटर से पास कर रहा है और इसी सिग्नल को एफएम मॉड्यूलेटर से पास कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहां पे एक एएम सिग्नल जनरेट हो जा रहा है और यहां पे एक एफएम सिग्नल जनरेट हो जा रहा है, ठीक है? तो ये ब्लॉक डायग्राम कितने लोगों को समझ में आ गया, एक ही मैसेज एक ही कैरियर लेके वो दो अलग अलग मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट कर रहा है, एक एएम दूसरा एफएम। क्वेश्चन में बोला जा रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ एफएम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ एफएम इज टू टाइम्स द बैंडविड्थ ऑफ एएम, है ना? यानी कि कहीं ना कहीं उसने बीटा की वैल्यू आपको चार यहां पे मेंशन कर दी है, करेक्ट है? बीटा उसने चार मेंशन कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एएम, म्यू की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एएम एंड एफएम, एफएम का तो आपने निकाल दिया बीटा इक्वल टू फोर, इफ स्ट्रेंथ ऑफ एफसी प्लस 5 किलोहर्ट्ज कंपोनेंट इज सेम इन देयर स्पेक्ट्रम। यानी ये बोल रहा है कि आपके पास एक कैरियर सिग्नल है एफसी और एक मैसेज सिग्नल है एफएम जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5 किलोहर्ट्ज, दोनों से हम एएम और एफएम जनरेट करें, तो एएम में एफसी प्लस एफएम वाले सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रेंथ एग्जैक्टली एफएम वाले सिग्नल में एफसी प्लस एफएम वाले कंपोनेंट की है। मैंने आप सभी लोगों को टेबल वगैरह सब कुछ बनवा रखा है, ठीक है? बताइए अगर हम लोग एफसी प्लस एफएम की बात करें तो एफसी प्लस एफएम वाले सिग्नल की, तो इसकी एएम में कितनी स्ट्रेंथ होती है और एफएम में कितनी स्ट्रेंथ होती है, फटाफट जल्दी से सभी लोग बता दो। एएम के केस में बताइए म्यू एसी बाय फोर, स्ट्रेंथ का मतलब होता है जो आप उसका स्पेक्ट्रम बनाते हो तो उसका एरिया वहां पे कितने देखने को मिलता है। एफसी प्लस एफएम का एफएम वाले के केस में कितना होता है, ये आपका हो जाता है एसी जे वन बीटा बाई टू, ठीक है? टेबल बनाई थी, टेबल के एक्सप्रेशन याद होने चाहिए, बहुत ही शानदार। अब्दुल रहमान ने और केतकी वर्मा इन दोनों लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब बोल रहा है इन दोनों को बराबर कर दो, बराबर कर दो, म्यू एसी बाई फोर इज इक्वल टू ए सी जे वन बीटा बाई टू, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी टू टाइम्स जे वन बीटा। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो बीटा आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, ये हो जाएगा जे वन फोर। क्वेश्चन में उसने कुछ वैल्यूज मैंशन कर रखी थी, देखो कहीं जे वन फोर दिया, ये दे रखा है उसने क्वेश्चन में, खुद आपको जे वन फोर कैलकुलेट करके दे रखा है 0.37। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स 0.37 विच मीन्स 0.74। तो एक अंडर मॉड्यूलेटेड एएम सिग्नल यहां पे आपका जनरेट होता हुआ दिखना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो थैंक यू सो मच यार, आपको कंट्रोल सिस्टम समझ में आया, ठीक है? ये जान के मुझे भी बहुत अच्छा लगा, परफेक्ट। आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है एन अनमॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर पावर इज 100 वॉट, कोई मुझे बता सकता है ये किस चीज का डेटा दे रखा है? क्वेश्चन में बोला गया है एन अनमॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर पावर इज गिवन एज 100 वॉट, ये किस चीज का डेटा दिया हुआ है, अगर आप में से कोई मुझे बताना चाहे तो बता सकता है। बहुत ही शानदार, ये बेसिकली कैरियर का दे रखा है ना, मैंने आपको बताया था अनमॉड्यूलेटेड का मतलब होता है कैरियर, यानी कि क्या इस क्वेश्चन में आपको पीसी की वैल्यू विच इज एसी स्क्वायर बाई टू, उसने साफ साफ आप लोगों को 100 वॉट मेंशन कर दी है, हाँ या नहीं बोलो। चलो बहुत ही बढ़िया, फिर बोल रहा है कि इसने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लिया और इसने पाया विद मॉड्यूलेशन इट इज ऑब्जर्व दैट फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड्स आर एबसेंट। अगर फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड्स एबसेंट है तो क्या आप ऐसा बोल सकते थे कि भाई जो J1 बीटा वाले टर्म्स हैं वो जीरो आ रहे होंगे, यस और नो बोलो। हर एक लाइन का ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं, ठीक है? हर एक लाइन का ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं जो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। अरे भाई अगर फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड्स एबसेंट है इसका तो यही मतलब हो ना J1 बीटा जीरो है, ठीक है? चलो इतना देने के बाद ये कुछ कुछ पूछ रहा था, पूछ रहा था द पावर ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन मॉड्यूलेटेड सिग्नल, द पावर ऑफ
कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फिर पूछ रहा है टोटल साइड बैंड पावर और पावर अप टू सेकेंड ऑर्डर साइड बैंड। ये सब बातें तो ठीक है, बट अगर मैं ऐसा पूछूं कि जे वन बीटा इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शायद जो यहाँ पे टेबल्स बनी हुई है वहां से कुछ कंक्लूजन हमें लेके निकले। जे वन बीटा में सबसे पहले नजर डालते हैं, ये तो सारा जे नॉट जे नॉट जे नॉट का डेटा था, ये तो सारा जे टू जे टू जे टू का डेटा था, और ये जे वन का डेटा था। जरा गौर करिए आप सभी लोग, क्या ये जो डेटा है ये हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? जे वन बीटा इक्वल टू जीरो, तो क्या यहां से ये बात साबित होती है कि इस क्वेश्चन में वो बीटा की वैल्यू 3.8 इनडायरेक्टली हमको बताना चाहता था? बोलो, पता चल गया बीटा इज इक्वल टू 3.8? बहुत ही शानदार, तो बीटा की वैल्यू हमको 3.8 मिल गई। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द पावर ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ठीक है, तो पहले मैं टोटल पावर लिख देता हूं कि जो आपका वाइड बैंड एफएम की टोटल पावर होती है वो कितनी होती है, फिर आप उसमें से मुझे बताना कि मुझे क्या क्या चूज करना चाहिए। ठीक है, चलो वाइड बैंड एफएम की मैं पावर लिखता हूं, पीसी जे नॉट स्क्वायर बीटा प्लस टू टाइम्स जे वन स्क्वायर बीटा, ये तो जीरो ही हो जाएगा पर फॉर्मूले में तो लिख ही देते हैं, जे टू स्क्वायर बीटा जे थ्री स्क्वायर बीटा अप टू इन फाइनाइट। एनी प्रॉब्लम एनी वन इज हैविंग? चलो, तो फर्स्ट पार्ट जो उसने पूछा हुआ था, फर्स्ट पार्ट में कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की पावर, तो जो फर्स्ट पार्ट में उसने पावर पूछी हुई थी जिस भी कॉम्पोनेंट की, क्या उसकी वैल्यू पी सी इंटू जे नॉट स्क्वायर बीटा हो जाता? यही तो था कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की पावर। बोलो, तो इसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करके लिख सकते हो? पीसी तो आपको पता ही है, जे नॉट 3.8 की वैल्यू देखो कितनी है, 0.4 पुट कर दो यहां पे, ये आपका हो गया 100 और ये आपका हो गया 0.4 का स्क्वायर, यानी कि 16 वॉट आपको यहां से मिलना चाहिए था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में देखो क्या पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है टोटल साइड बैंड पावर। तो टोटल साइड बैंड पावर कैसे मिलेगी? टोटल जो एफएम की पावर है उसमें से अगर आप कैरियर पावर को घटा देंगे, मतलब जो टोटल एफएम की पावर है उसमें से अगर आप कैरियर कंपोनेंट की पावर घटा देंगे तो आपको साइड बैंड की पावर मिल जाएगी। तो जरा देखो, यहां से अगर हम लोग साइड बैंड की पावर कैलकुलेट करें, देखिए अगर हम लोग साइड बैंड की पावर कैलकुलेट करें तो देखो क्या हमको ये जरूर पता होता है कि पावर ऑफ कैरियर बिफोर एंड पावर ऑफ कैरियर आफ्टर मॉड्यूलेशन पावर सेम होती है, यानी टोटल वाइड बैंड एफएम की पावर 100 वॉट होगी, ये तो पक्की बात है, और इस 100 वॉट में से कैरियर कंपोनेंट की पावर अगर हम घटा दें तो क्या हमको यहां से 84 वॉट आंसर मिल जाना चाहिए था? बोलिए, यस। सी पार्ट पे आ जाते हैं, सी पार्ट को जरा चेक करिए, सी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया? इसी क्वेश्चन के सी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि पावर अप टू सेकेंड ऑर्डर साइड बैंड। अगर अप टू सेकेंड ऑर्डर साइड बैंड की पावर वो हमसे जानना चाहता है तो बताइए क्या ये जो पावर है इसमें हमको सिर्फ सेकेंड ऑर्डर तक के टर्म्स को ही इंक्लूड कर लेना चाहिए? तो ये हो गया टू टाइम्स जे वन स्क्वायर बीटा प्लस जे टू स्क्वायर बीटा। ठीक है, जे वन स्क्वायर बीटा वाला टर्म इसमें से जीरो हो जाएगा, बाकी सारी चीजें आप कैलकुलेट कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलें। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर पा रहे होंगे। जैसा मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि एक तो जो आपका कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट बहुत सारे लोग पढ़ के नहीं जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। सेकेंडली बहुत सारे लोग पढ़ के भी जाते हैं तो उनके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो इम्प्रूव नहीं हो पाती। तो अगर आप सिर्फ ये क्रैश कोर्स भी करते हो, जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप उतना भी रेप्लीकेट कर पाते हो तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन में आप बहुत मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में जाके स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका प्रोकिस का अनसॉल्व क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्लास में सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, एक मैसेज सिग्नल आपको यहाँ पे मेंशन किया है, देखिए एक मैसेज सिग्नल यहाँ पे आपको दिया है। ओके, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये मैसेज सिग्नल मैं एक एफएम मॉड्यूलेटर से पास करता हूँ जिसका केएफ 10 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट दे रखा है, सो दैट यहाँ पे हमारा एक एफएम सिग्नल जनरेट हो जाए, वेल एंड गुड। उसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो एफएम सिग्नल जनरेट हुआ है इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे उसने आपको मेंशन करके भी दे दिया, ये है एफएम सिग्नल जो इसने जनरेट किया। ठीक है, चलिए
यहाँ पे देखो एफएम सिग्नल जनरेटेड है, उसने खुद ही ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। उसके बाद इसको एक आइडियल बैंड पास फिल्टर से पास कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 200 किलोहर्ट्ज़ से, बैंडविड्थ 3100 से, पास बैंड गेन यूनिटी है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो वाईटी है, इस सिग्नल की अगर मैं पावर लिखना चाहूँ तो मैं इस सिग्नल की पावर बेसेल्स फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। बात क्लियर है सभी को? तो ये एक तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का पार्ट हो गया। आइए जरा देखते हैं, मैसेज सिग्नल आपका सिंगल टोन है, इस मैसेज को पहले मैं यहां पे उठा के पुट करता हूं, ठीक है? जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा है पहले मैं वहां पे उठा के इसको पुट करता हूं। ये हो गया एस एफ एम टी, ठीक है? इसकी वैल्यू आप देखिए, ये मिलेगा 20 cos 4000 πt, ये हो गया आपका 20 cos 4000 πt प्लस 2π। KF की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखी 10 Hz/V, 10 इंटीग्रेट करिए इसको, इसको आप इंटीग्रेट करोगे मिल जाएगा 3/10π sin 10 πt, 3/10π sin 10 πt, ठीक है? तो यहां से जो आपका FM सिग्नल आया वो मिलेगा 20 cos 4000 πt प्लस 6 sin 10 πt, ठीक है? इस एक्सप्रेशन से क्या क्या चीजें हम डिकोड कर सकते हैं बताइए, यहां से आप क्या क्या चीजें डिकोड कर सकते हो? एक तो एसी 10 है, एफसी 2 kHz है, बीटा 6 है जो वाइड बैंड एफएम को कंफर्म कर रहे हैं, और एफएम 5 Hz है, इसको चलो मैं 2000 Hz लिख देता हूं। बताओ इतना कितने लोगों ने डिकोड कर लिया था, एफएम सिग्नल को कितने लोगों ने डिकोड किया? आया? ठीक है, अगर बीटा को हम लोगों ने इतना डिकोड कर लिया है तो क्या इसी एक्सप्रेशन को हम बेसेल्स फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते थे? देखो पैटर्न तो बिल्कुल सेट है, एसी कॉस 2π fct प्लस बीटा साइन fmt। तो अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं मॉडिफाई करना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था, n = −∞ to ∞ 20 jn, बीटा की जगह पे मैं 6 पुट कर देता, कॉस 2π fc प्लस एन fmt में 2000 प्लस प्लस 5n into t, चेक करो। क्लियर है? यही तो एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब आप मुझे बता सकते हो ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा इसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं? तो देखिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहां पे इसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, एन की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एफ सी प्लस माइनस fm, एफसी प्लस माइनस 2 fm, एफसी प्लस माइनस 3 fm एंड सो ऑन ... साथ में आपको डिस्क्लेमर भी देना पड़ेगा, भाई ये तभी मिलेगा जब जे नॉट बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन जे वन बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन जे टू बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन जे थ्री बीटा इज नॉट, सब बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, सब कुछ आपको मैंने बताया हुआ है, बस आपके एंड पे पढ़ने की देर है, ठीक है? तो जो भी पढ़ेगा उसको ये सब चीजें सब पता है, ठीक है? तो अब ये डिस्क्लेमर के साथ मैं ये फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूं। ओके, देखो एफसी का मतलब हो गया 2000 हर्ट्स, यहां पे क्या क्या मिल जाएगा, 1995 2005 हर्ट्स, यहां पे क्या मिल जाएगा 1990 2010, यहां पे क्या मिल जाएगा 1985 2015, ठीक है? ऐसे करके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आपको मिलते चले जाएंगे, डन है? अब जरा लो पास फिल्टर पे नजर डालते हैं, ये जल्दी से एक बार यहां तक कंफर्म करो, फिर देखते हैं लो पास फिल्टर कहां तक की फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करने की कोशिश कर रहा है। लो पास फिल्टर की अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स को रिव्यू करें तो ये बोल रहा है 2000 हर्ट्ज पे तो मैं सेंटर्ड हूं, अगर मेरी बैंडविड्थ 3100 हर्ट्ज की, ठीक है? तो बैंड पास फिल्टर के आइए मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता हूं। देखिए आई होप बैंड पास फिल्टर
कुछ ऐसा बनना चाहिए, ये हो गया आपका एच एफ वर्सेस एफ, ठीक है, ये लो। परफेक्ट, ये देखो ये था आपका, दूसरा कलर लेते हैं, ये था आपका 2000 हर्ट्स, तो ये होगा 2015.5, क्योंकि बैंडविड्थ इवेंचुअली कितनी मेंशन कर रखी है, 31, 31 हर्ट्स का मतलब हो गया 15.5 इधर, 15.5 इधर, तो ये हो जाएगा 1984.5, ऐसे ही होगा, है ना। तो आप मुझे बताओ इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज वो अलाउ करेगा। देखो 2000 हर्ट्ज को अलाउ करेगा, अगर होगा तो अलाउ करेगा, अगर होगा का मतलब क्या है कि अगर ये नॉट जीरो होगा तो ये चला जाएगा, अगर ये जीरो होगा तब तो यही एब्सेंट हो जाएगा, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, ये पास कर जाएगा, ये पास कर जाएगा, ये पास कर जाएगा। क्या एफ सी प्लस माइनस 4 FM की अगर हम बात करते, मतलब कि 1980 और 2020, क्या ये कभी भी पास हो सकते थे? नहीं। यानी कि ये जो बैंड पास फिल्टर है ये आपके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल के कितने ऑर्डर साइड बैंड को अलाउ कर रहा है, तो आप बोलोगे सर अप टू थर्ड ऑर्डर साइड बैंड को ही अलाउ कर रहा है, क्लियर। तो अगर ये अप टू थर्ड ऑर्डर साइड बैंड को अलाउ कर रहा है, अगर ये आपका अलाउ कर रहा है अप टू थर्ड ऑर्डर साइड बैंड, ठीक है, अगर ये अप टू थर्ड ऑर्डर साइड बैंड को अलाउ कर रहा है, तो आप मुझे बताइए जो भी यहां पे YT की पावर आएगी क्या वो इतनी हो जानी चाहिए, जे नॉट स्क्वायर बीटा प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 3 जे एन स्क्वायर बीटा, है ना, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब अगर मान लो क्वेश्चन में आपको बेसल्स फंक्शन वगैरह का डेटा दे रखा है, कुछ और दे रखा है, तो फिर आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। मान लो हो सकता है कि बीटा इक्वल टू 6 के लिए J3 बीटा शायद 0 हो जाए, अगर क्वेश्चन में ऐसा डेटा दिया है तो उसको 0 कर देंगे, है ना। तो हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि जे नॉट बीटा जे वन स्क्वायर जे टू स्क्वायर जे थ्री सब आएगा, हमें नहीं पता, हो सकता है सारे आए, हो सकता है कुछ 0 हो जाए, वो तब तक हमें नहीं क्लियर होगा जब तक हमारे पास बेसेल्स फंक्शन की टेबल नहीं होगी या बेसेल्स फंक्शन से रिलेटेड डेटा नहीं होगा। तो उसने क्वेश्चन में खुद ही बोला था कि बेसेल्स फंक्शन के फॉर्म में आंसर दीजिए, हमने बेसेल्स फंक्शन के फॉर्म में आंसर दे दिया। रही बात पीसी की, तो ए सी स्क्वायर बाई टू से इसको कैलकुलेट कर लेना, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ये प्रोकिस का आपका अनसॉल्व क्वेश्चन, तो एग्जामिनर बहुत आसानी से यहां से 2 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। वो बस क्या करेगा, ये जो आपने बेसेल्स फंक्शन लिखे हुए हैं ना, इन बेसेल्स फंक्शन का आपको न्यूमेरिकल वैल्यू उठा के दे देगा। कुछ बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए ये क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और गेट वालों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन भी है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बस एक छोटी सी बात याद दिला देता हूँ, ठीक है, एक छोटी सी बात आपको याद दिला देता हूँ। मैंने आपको बोला भी था कि वैसे तो आप अगर अच्छे तरीके से कोई सीनियर स्टूडेंट होगा रिवाइज करेगा उसको याद हो गया होगा अब तक, जिसको नहीं याद हुआ है वो मैं याद दिला देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका एमटी, ये हो गया आपका एमटी, सिंगल टोन सिग्नल ले लेता हूं मैं, एम कॉस 2π FMT, और ये हो गया आपका CT, AC कॉस 2π FCT, ठीक है, दोनों सिंगल टोन यहां पे दे रखे, परफेक्ट। यहां से अगर मैं बात करूं FM की और PM की, तो मैंने बस ये बोला था कि FM में ये याद रखना कि जो इसका डेल्टा एफ होता है वो KF AM के बराबर होता है, और इसमें बोला था जो इसका डेल्टा एफ होता है PM के केस में वो KF AM FM के बराबर होता है। बस ये 2 चीज़ें मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, अगर ये 2 चीज़ें याद हैं तो बीटा अपने आप ही याद हो जाएगा, है ना। बीटा क्या होता है, दिस डिवाइडेड बाई FM, तो KF AM अपॉन FM हो जाएगा, यहाँ पे बीटा क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाई FM, ठीक है। तो जिनको नहीं याद है वो जल्दी से क्या करो, एक बार गो थ्रू कर लो, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। FM के केस में जो उसका डेल्टा F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, और PM के केस में जो उसका डेल्टा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AM और FM दोनों होता है।
अब आप मुझे बताओ, अगर AM आपको पता है, डेल्टा F पता है, तो क्या बीटा आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं? है ना, तो बीटा का फॉर्मूला तो आपको पता है। तो बीटा अलग से मैं याद करने के लिए इनकरेज आपको कभी करता नहीं हूँ, उस टाइम भी नहीं किया था और यहाँ पे भी नहीं कर रहा हूँ। किसी का मन है तो वो खुद कर ले, ठीक है, अदरवाइज मुझे लगता है बीटा की यहाँ पे नीड नहीं। चलिए, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। एक एक नंबर के बड़े पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं गेट के एग्जाम में, करेक्ट। चलिए जरा देखिए, आपको मैसेज सिग्नल दे रखा है 10 cos 2π × 10⁴। ये आपको मैसेज सिग्नल उसने मेंशन किया है, बोल रहा है 25 MHz के कैरियर को ये मॉड्यूलेट कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द बैंडविड्थ फॉर 98% ऑफ पावर ट्रांसमिशन फॉर FM एंड PM बाई यूजिंग बीटा PM बीटा FM इक्वल टू 10। कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? ये जो यहाँ पे इतना डेटा लिखा गया है, इसको कोई इलेबरेट करना चाहेगा? 98% ऑफ पावर ट्रांसमिशन मतलब वो क्या बताना चाहता है, क्या इंडिकेट करना चाहता है, बोलो। इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन में जो ये बोल रहा है बहुत ही शानदार, इसका मतलब है कार्सन्स कार्सन्स मेथड से आप इसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट करिए, कार्सन्स रूल लगाइए, ठीक है, परफेक्ट। तो हम कार्सन्स रूल लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफएम की। एफएम की बैंडविड्थ हम सभी लोगों को पता है कि अगर इसकी बैंडविड्थ निकालनी है तो हमें इसी का बीटा लेना पड़ेगा, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा और 2 times f max या एफएम करना पड़ेगा अगर सिंगल टोन है। तो बीटा एफएम उसने क्वेश्चन में दे रखा था 10, ये हो जाएगा +1। और मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यहाँ से आपको निकालने में ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, ये आपका हो जाता 10 kHz, ठीक है, तो ये आपको मिल जाता 20K। देखिए क्या यहाँ से आपको 220 kHz मिलता, बोलो। सिमिलरली अगर आप PM की कैलकुलेशन करते तो जो बैंडविड्थ ऑफ PM आती है वो अपना बीटा एक्सपेक्ट करती, तो आप इसका बीटा यहाँ पे लिखेंगे, बीटा PM +1। मैसेज सिग्नल दोनों में सेम था तो एफएम तो सेम ही रहेगा, ये आंसर मिलता 10 + 1, यहाँ से आपको मिलता 20K और आंसर मिल जाता आपको 220 kHz, करेक्ट, सही है या कोई दिक्कत है किसी को? डन। चलो इस पार्ट में तो कुछ नहीं था, आपको लग रहा होगा कि सर क्या इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं था, बीटा बीटा दे दिया। एक्चुअल में ये क्वेश्चन तो बस प्रैक्टिस के लिए करवाया गया था, असल वाला क्वेश्चन इसके बाद स्टार्ट होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है कैलकुलेट पार्ट ए, यानी कि एफएम और पीएम की बैंडविड्थ कैलकुलेट करो अभी भी जब फ्रीक्वेंसी ऑफ एमटी इज डबल्ड, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एमटी इज डबल्ड। तो एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। एमटी की फ्रीक्वेंसी थी, एमटी की फ्रीक्वेंसी थी 10 kHz, अब इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके कर दी गई है 20 kHz, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा अब नया मैसेज सिग्नल हो गया, सही बात है, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इसने डबल कर दी। चलिए अब क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले एफएम की बात करते हैं, ठीक है। एफएम की अभी वो बैंडविड्थ हमसे पूछना चाहता है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला अभी भी मैं वैसे ही लिखता हूँ, बैंडविड्थ ऑफ एफएम इज इक्वल टू बीटा +1 × 2 FM। अब इसका इम्पैक्ट मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में होगा कहाँ पे। ज़रा ध्यान से नोटिस करिए, एफएम के केस में जो डेल्टा एफ होता है क्या वो केएफ एएम के बराबर होता है? यस। और जो उसका बीटा होता है क्या वो केएफ एएम अपॉन एफएम के बराबर होता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए सभी लोग, यस। तो आप मुझे बताइए, अगर उसने मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो क्या इस केस में जो नया वाला बीटा आना चाहिए क्या वो आधा हो जाना चाहिए एज कंपेयर टू प्रीवियस?
ऐसे आपको सोचना है, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ना, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपका। अरे भाई उसने क्या बोला, लास्ट क्वेश्चन में उसने बोला कि मैं मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डबल कर रहा हूँ, कर लो डबल। तो आपने एफएम को यहाँ पे कर दिया, बोला अब ये मेरा नया सिग्नल है। अब आपको यही फॉर्मूला लगाना है, बीटा की वैल्यू पे आपको इंपैक्ट देखना है। एफएम पे इंपैक्ट तो आपने देख लिया, डबल हो गया। बीटा पे देखने के लिए आपको ये पता ही है एफएम के केस में क्या रिलेशन होता है। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ से जो आप बैंडविड्थ कैलकुलेट करोगे तो क्या ये बैंडविड्थ 5+1 × 20 हो जाएगी, मतलब क्या ये वैल्यू 120 kHz आ जानी चाहिए, चेक करिए। ठीक है, सारे पैरामीटर्स पे इंपैक्ट देखा करो, बैंडविड्थ निकाल रहे हो तो। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हुई है, बीटा पे क्या होगा, एफएम पे क्या होगा, सब निकालने के बाद फिर आप वैल्यूज पुट किया करिए। परफेक्ट। ओके चलो अब पीएम पे आते हैं, पीएम पे आ जाओ, ये लो पीएम, पीएम पे आ जाइए। पीएम पे भी वो हमसे पूछ रहा था कि क्या होगी इसकी बैंडविड्थ, तो हमें बैंडविड्थ का तो फॉर्मूला पता ही है, बैंडविड्थ हो जाएगा बीटा पीएम प्लस 1 × 2 एफएम। एफएम की वैल्यू डबल हो चुकी थी, 20 kHz हो चुकी। इसका जो बीटा होता है, बीटा पीएम, ये होता है केएफ लिख दिया था क्या मैंने, ये केपी कर लो, ठीक है इसको केपी कर लो। पीएम के केस में तो केपी आता है ना पिक्चर में, ठीक है यहां पे केपी कर लीजिए, केएफ नहीं। ओके तो हाँ, तो यहां से देखो, पहले मैं डेल्टा एफ लिख देता हूं, डेल्टा एफ आपका होता है केपी एम एफ। तो यहां से बीटा क्या हो जाएगा, केपी एम। कोई मुझे बता सकता है कि अगर हम मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं, क्या उससे बीटा पीएम पे कोई फर्क पड़ने वाला है, बताइए। बीटा पीएम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पे पुट कर दो आप सारी वैल्यूज। बीटा पुराना वाला ही रहा 10+1, ये हो गया 2 × 20 kHz, और यहां से आपको आंसर मिल जाएगा 440 kHz। समझ पा रहे हैं आप, बैंडविड्थ में जितने भी पैरामीटर्स हैं सब पे बस इंपैक्ट देख लो। उसने बोला मैसेज सिग्नल के फ्रीक्वेंसी डबल करो, डबल कर दो, बीटा पे उसका इंपैक्ट चेक कर लो। क्लियर, सी पार्ट करोगे इसका। चलो इसी क्वेश्चन का सी पार्ट करते हैं, सी पार्ट में बोला जा रहा है, पार्ट बी रिपीट करने के लिए बोल रहा भाई, इस बात का ध्यान रखना, रिपीट पार्ट बी इफ एम्पलीट्यूड ऑफ एम्प्टी इज हाफ्ड। ठीक है, तो पार्ट बी की अगर हम लोग बात करें तो पार्ट बी में हमारे पास आया था बीटा एफएम 5 था, बीटा पीएम 10 ही था, और सिग्नल की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी वो 20 kHz थी। ठीक है, ये पार्ट बी में ये डेटा हमारे पास मौजूद था। चलिए अब एफएम की बात करते हैं, एफएम फिर से वो बोल रहा है इसी की बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए, तो इसकी बैंडविड्थ हो जाएगी, बैंडविड्थ विल बी बीटा एफ एम प्लस 1 2f max। ठीक है, जो बीटा एफ एम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, के एफ ए एम अपॉन एफ एम, है ना। आप बताइए अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड आधा हो गया है तो क्या ये जो बीटा एफ एम है ये एग्जिस्टिंग बीटा से और आधा हो जाएगा, विच मीन्स क्या इसकी वैल्यू अभी 2.5 हो जानी चाहिए, है ना। देखिए ये बीटा एफएम था पार्ट बी में, जो कैलकुलेट कर लिया वो कर लिया, अब वो बोल रहा है कि पार्ट बी वाले बीटा को उठाऊं अगर मैं और उसके बाद मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ एम्पलीट्यूड आधा कर दूं, तो ये देखिए बीटा एफएम एफएम तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ, पहले 20 kHz अभी भी 20 kHz, और बीटा एफएम में जो एम्पलीट्यूड है वो आधा कर दें तो क्या बीटा की वैल्यू 2.5 आपको दिख रही है, बिल्कुल उठा के पुट कर दो यहाँ पे, वैल्यूज कैलकुलेट कर लो सारी, 2.5+1 और 2f max में आपका हो जाएगा 40 kHz। कैलकुलेट कर लीजिए, 4 × 12 = 10, 130 kHz यहाँ से आपको आंसर मिल जाना चाहिए, मिल रहा है, 140 आ रहा है, 3.5 है ना, ठीक है, तो 120 + 20 kHz हो जाएगा 140 kHz। पीएम की कैलकुलेशन करें,
आइए पीएम की कैलकुलेशन करके देखते हैं। पीएम की बैंडविड्थ का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, पीएम की बैंडविड्थ का फॉर्मूला, बैंडविड्थ मिल जाएगी आपको बीटा पीएम प्लस वन इंटू टू एफ मैक्स। इसके बीटा पीएम की अगर हम बात करें तो वो होता है के पी एम एफ। अब बताओ एफ एम तो सेम ही है पिछले क्वेश्चन में, मगर ये सॉरी बीटा, ठीक है। अब देखो के पी एम अगर इसका एम्पलीट्यूड आधा हुआ तो क्या ये बीटा पांच के बराबर हो जाएगा? सॉल्व कर लो इसको, पांच प्लस वन टू इंटू ट्वेंटी के, तो ये आपको मिल जाएगा 240 किलोहर्ट्स। कर लोगे अब इस टाइप के क्वेश्चंस? कभी मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड आधा करेगा, डबल करेगा फ्रीक्वेंसी, आधा डबल, कॉमन सेंस बस आपको यूज करना है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला लिख देना है और उसके हर एक पैरामीटर को चेक कर लेना है, बात खत्म। दो ही चीजें याद होनी चाहिए इस केस में, सिंगल टोन मैसेज सिग्नल साइनोसॉइडल के केस में, एफएम के केस में डेल्टा एफ जो होता है वो के एफ एएम के बराबर होता है, और जो पीएम होता है उस केस में डेल्टा एफ के पी एएम एफएम के बराबर होता है। बस इतना याद रखोगे तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस इजीली क्रैक कर ले जाओगे। क्लियर? आगे बढ़े, चलो इसी 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 मॉडल पे एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं, ठीक है। सेम मॉडल पे आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया अ कैरियर इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड विद फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ 16 किलोहर्ट्ज एंड मैसेज फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में उसने आपको बोला है कि आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो है वो आपका हो जाएगा 16 किलोहर्ट्ज का, और मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आपको मेंशन कर रखा है 4 किलोहर्ट्ज का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि आप इसका बीटा कैलकुलेट करके बता दो, बीटा इसका हो जाएगा 4, और आपसे पूछ रहा है बैंडविड्थ भी कैलकुलेट करके बता दो, बैंडविड्थ इसका हो जाएगा 20, ठीक है। ये दोनों चीजें वेरीफाई करिए, फिर सेकेंड पार्ट पे चलते हैं इसके। इस बार सिर्फ किसकी बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड की बात कर रहा है, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी उसने बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आर एस अभी का 40 किलोहर्ट्स आएगा बैंडविड्थ, 20 किलोहर्ट्स, ठीक है, 40 किलोहर्ट्स आ रहा। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड इज डबल्ड एंड फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड टू 1 किलोहर्ट्स, ठीक है। देख लो एक बार, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए सेम चीज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है आपसे, बीटा निकालने को बोल रहा है और बैंडविड्थ। तो एफएम में आप सभी लोगों को पता है कि जो डेल्टा एफ होता है वो के एफ एएम के बराबर होता है, और जो बीटा होता है वो के एफ एएम अपॉन एफएम के बराबर होता है ना। अगर हम लोग बीटा वन की बात करें तो बीटा वन में के एफ एएम कितना दे रखा था क्वेश्चन में, कुछ नहीं दिया था, फ्रीक्वेंसी उसने बोल रखा था 4 किलोहर्ट्ज़ की, ठीक है। तो मैं इसको एएम ही रखता हूँ और इसको कर लेता हूँ 4 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। बीटा टू में क्या बोल रहा है, मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, देखो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड डबल कर रहा है और फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ पे लेके जाना है, तो इसको कर देते हैं डबल और इसको पहुँचा देते हैं 1 किलोहर्ट्ज़ पे, है ना। अगर हम ऐसा करते हैं तो आप मुझे बताइए, बीटा वन की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर रखी थी 4, ठीक है। तो आप बीटा वन बाई बीटा टू कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए बीटा टू की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। ये है आपका के एफ ए एम अपॉन 4 के, ये है आपका के एफ 2 ए एम अपॉन 1 के, करेक्ट। यहां से देखो आपका जो बीटा 2 आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स बीटा 1, विच मीन्स बीटा 2 विल बिकम 32। देखो कितने लोगों का आया बीटा 2, 32 आया। ऐसे ही करना है जैसे आप करते हो ना, एक टॉफी 4 रुपए की है तो 4 टॉफी कितने रुपए की, सेम चीज जो बोला था वो कर दिया। ये रिलेशन पता है हमको एफएम के केस में, उसने बोला पहले ये था
बीटा वन की वैल्यू 4 थी, ठीक है, फिर बीटा टू में इसको डबल, इसको 1 के कर दिया, दोनों का रेशियो लिया, कैलकुलेशन सॉल्व कर दिया। अब बीटा टू पता चल गया, बैंडविड्थ की कैलकुलेशन करनी, बैंडविड्थ आपका हो जाता बीटा टू प्लस 1 इंटू 2 FM, याद रखना FM इस बार 1 किलो हर्ट्ज उसने कर दिया है, ठीक है, तो ये होगा 33 इंटू 2K, मतलब कि 66K यहाँ से आपको आंसर मिल जाना चाहिए था। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के ना बहुत चांसेस होते हैं आप लोगों की तरफ से, बट यहाँ पे मैं आपको कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, बस दो चीज़ें अगर आपको याद है, बाकी फिर ये एप्टीट्यूड का एक सवाल है, आप इसको कैसे डील करते हो, मैंने दो मॉडल के क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। क्लियर है? चलो, अब इतने सारे क्वेश्चन अगर हम लोगों ने कर लिए ना, तो अब दो तीन चीज़ें FM में और FM या फिर एंगल मॉडुलेशन में और बचती है, आइए उसको भी जल्दी से सीख लेते हैं, तो हमारा आज का फिर पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल से हम लोग रैंडम वेरिएबल पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। एनालॉग कम्युनिकेशन में एक टॉपिक आपका और बचता है, सुपर हिटेरोडाइन रिसीवर, वो किसी वो रिसीवर के साथ ही मैं करवा दूंगा, जब हम लोग एनालॉग और डिजिटल रिसीवर साथ में पढ़ेंगे, तो वहां पे फिर सुपर हिटेरोडाइन का भी डिस्कशन हम लोग साथ के साथ ही कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब देखो दो डिवाइसेस हमको और पढ़ लेनी चाहिए, एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी मिक्सर और एक आपका होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, ठीक है। क्या होता है फ्रीक्वेंसी मिक्सर और मल्टीप्लायर, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो ये आपका एक सिग्नल है XT, ये जो XT है इसको हमने एक फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मान लो ये cos 2πfct है, ये cos 2πflt है, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको एक बैंड पास फिल्टर से पास कर दो, ये जो पूरा का पूरा आपको बॉक्स में बंद हुआ सेटअप दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मिक्सर। तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी मिक्सर, तो आप बता दीजिए फ्रीक्वेंसी मिक्सर इज नथिंग बट अ मल्टीप्लायर फॉलोड बाय अ बैंड पास फिल्टर। बात समझ आई? चलो, बहुत ही शानदार। तो अब देखो इसमें होगा क्या, मान लो इनकमिंग सिग्नल है आपका cos 2πfct, है ना, जिस फ्रीक्वेंसी को आप मिक्स करना चाहते हो वह है cos 2πflt, जो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज जनरेट हुई, fc+fl और fc-fl, बिल्कुल, है ना। अब आप बैंड पास फिल्टर लगा लो, बैंड पास फिल्टर लगाने के बाद अगर आपको fc+fl चाहिए इसको बाहर ले लो, fc-fl चाहिए इसको बाहर ले लो, दोनों में से एक ही बाहर ले सकते हो। अगर आप fc+fl को बाहर लेते हो तो बोला जाता है मिक्सर इज एक्टिंग एज एन अप कन्वर्टर, और अगर आप fc-fl को लेते हो तो बोला जाता है मिक्सर इज एक्टिंग एज अ डाउन कन्वर्टर। पॉइंट समझ आया? ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन हमारे पास ये है कि हमारे पास अगर कोई मिक्सर है उसमें अगर मैं एक इनकमिंग फ्रीक्वेंसी fc और एक fl की डालता हूं, तो या तो मुझे fc+fl मिलेगा आउटपुट पे, तो मैं बोल दूंगा मिक्सर इज एक्टिंग एज एन अप कन्वर्टर, या तो मुझे मिलेगा fc-fl का डिफरेंस, ठीक है, ये नेगेटिव साइन है, डिफरेंस को मैंने मॉड से रिप्रेजेंट करके यहां पर दिखा दिया, ठीक है। एक काम करता हूं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सर इज एक्टिंग एज अ डाउन कन्वर्टर, करेक्ट। चलो, अब एक सिंपल सी चीज आप लोग देख लो, मान लो हमारे पास कोई FM सिग्नल है, है ना, ये एक FM सिग्नल दिख रहा है आपको, AC cos 2πfct plus beta sin FMT, तो अगर मैं इस FM सिग्नल को एक मिक्सर से पास करूं जिसमें कि एक FL की फ्रीक्वेंसी में मिक्स करना चाहता हूं, है ना, तो आप खुद से सोचो यार, खुद से सोच के देखो, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगेगा, जब 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगेगा तो जब अंदर cos A+B लिखोगे तो cos 2πfct प्लस 2πflt होगा ना, यानी कि ये मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी सीधा क्या fc में ही जाके ऐड हो जाएगी, जरा इस चीज को चेक करके कंफर्म करो, क्या इससे आपका बीटा या fm किसी भी मायने में प्रभावित हो सकते हैं? भाई अगर आपने एक fm सिग्नल में इस फ्रीक्वेंसी को मिक्स किया तो क्या आपका बीटा और fm में कोई चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, जो चेंज होगा भी वो सिर्फ कैरियर फ्रीक्वेंसी में होगा, बीटा और एफएम में थोड़ी चेंज होगा। हाँ, एम्पलीट्यूड वगैरह चेंज हो सकते हैं कि भाई इसका एम्पलीट्यूड आप AC लिख रहे हो, मल्टीप्लाई AL वाले से करोगे तो ये कुछ AC डैश हो जाएगा, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट जब भी आप किसी भी इनकमिंग FM सिग्नल, आपने एक FM सिग्नल ले लिया, FM सिग्नल में अगर कोई फ्रीक्वेंसी आप मिक्स करोगे तो सिर्फ उसके कैरियर में मिक्स होगा, उसके बीटा वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार ये टेबल जरा जल्दी से देखो और बताओ कि ये ठीक लिखा है। अगर मैं
किसी भी मिक्सर के इनपुट में एसी देता हूँ, आउटपुट क्या मिलेगा? एसी डैश। एफसी, ये एफएम की बात हो रही है, एफएम की कैरियर फ्रीक्वेंसी या तो एफसी प्लस एफएल या तो इनका डिफरेंस। बीटा पे कोई चेंज नहीं होगा, एफएम पे कोई चेंज नहीं होगा। अगर बीटा और एफएम पे कोई चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा एफ पे कोई चेंज नहीं होगा। अगर डेल्टा एफ और एफएम में कोई चेंज नहीं हुआ तो बैंडविड्थ भी नहीं बदलेगी। अगर एफएम नहीं बदला है तो स्पेक्ट्रल स्पेसिंग भी आपकी नहीं चेंज होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे इफेक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से एक बार इसको देख के इस पर एग्री कर लो, फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इफेक्ट एक बार आप लोग इसका देख लीजिए। डन करो जल्दी से चैट बॉक्स में, आगे बढ़ते हैं, मिक्सर की चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। आसान है ना? बहुत ही बढ़िया। चलो अब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर देखो इससे भी ज्यादा आसान होता है। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का सिंपल सा मतलब होता है कि सपोज मैंने यहां पर कोई कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा था, और इसमें मैं किसी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ जिसका मल्टीप्लिसिटी फैक्टर n है। तो इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी ऐसे ब्रैकेट लगा के इसकी पावर n लिख देते हैं, कभी इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐसा n लिख देते हैं। समझ गए? तो आपको क्या करना होता है, यही n जो होता है ना वो इसके एंगल में एडजस्ट कर देना होता है। तो देखो cos थीटा आपने लगाया, ये आपको मिल गया cos n थीटा। सिमिलरली तो दो सिंबल्स इसके होते हैं, कभी कभार क्रॉस n लिख देते हैं, कभी कभार ब्रैकेट लगा के उसकी पावर पे n चढ़ा देते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो अब जैसे मान लो कि सपोज आप खुद से बताइए, जैसे मान लो मैंने यहां पे ना कोई एफएम सिग्नल लिया, ये हमारा एफएम सिग्नल, ये देखो ये हमने एफएम सिग्नल लिया। ठीक है, इस एफएम सिग्नल को अगर मैंने एक ऐसे मल्टीप्लायर से पास किया जिसका मल्टीप्लिसिटी फैक्टर एन है, तो ये तो फिर पूरा का पूरा जो लिखा हुआ अंदर, ये पूरा थीटा का काम करेगा या नहीं? देखो ये तो पूरा थीटा हो गया ना, थीटा हो गया ना। अब जैसे आपने इसमें एन से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, कॉस टू पाई एन एफ सी, यानी एफ सी भी चेंज हुआ, प्लस एन बीटा। तो देखो इस बार आपका ये एन एफ सी और ये एन बीटा दोनों चेंज होगा। तो याद रखना जब भी फ्रीक्वेंसी मिक्सर की बात होती है उससे सिर्फ एफ सी इफेक्ट होता है, बट जब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की बात होती है तो एफ सी भी अफेक्ट होता है, एट द सेम टाइम आपका बीटा भी अफेक्ट होता है, और ऑब्वियसली देख के साफ साफ पता चल रहा है कि इससे आपके एफ एम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट? चलो तो एक बार इस टेबल को भी सभी लोग वेरीफाई करके देखिए, इसका जो एसी होगा, एसी उतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं होता है। ठीक है, ये तो चेंज हो ही सकता है, एफसी विल डेफिनेटली चेंज, बीटा विल डेफिनेटली चेंज, एफएम विल नॉट चेंज। तो अगर एफएम नहीं चेंज हुआ और बीटा चेंज हुआ तो डेल्टा एफ चेंज होगा, बैंडविड्थ का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। एफएम नहीं चेंज हुआ है, स्पेक्ट्रल स्पेसिंग नहीं चेंज होगा, बाकी फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट तो आपको पता है, एफसी प्लस माइनस एफएम लिखना होता है, यहाँ पे एफसी प्लस माइनस एफएम कर लेना, और यहाँ पे एफसी एनएफसी से रिप्लेस हो गया तो एनएफसी प्लस माइनस एफएम कर लेना। ठीक है, क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक है, इसमें मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन की ज़रूरत है। आपको बस पता होना चाहिए कि मिक्सर कहाँ पे इंपैक्ट डालता है और आपका मल्टीप्लायर कहाँ पे इंपैक्ट डालता है। डन है, एक बार डन करो, फिर इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल उसने दिया है। ठीक है, एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल का डेल्टा एफ है 90 किलोहर्ट्ज़, एफएम है 5 किलोहर्ट्ज़, और आपको ये एक फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास कर रहा है जिसका मल्टीप्लिसिटी फैक्टर उसने यहाँ पे 3 दे रखा है। ठीक है, तो ये अगर एक एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल है तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास करो चाहे फ्रीक्वेंसी मिक्सर से पास करो, वो भी एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल रहेगा, बट उसके पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। तो जो आप इसको पास करोगे तो बताओ क्या इसका डेल्टा एफ 3 गुना हो जाएगा? भाई बीटा अगर 3 गुना हो रहा है और एफएम सेम रह रहा है तो डेल्टा एफ भी 3 गुना हो जाएगा, डेल्टा एफ हो गया 270, एफएम पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब बैंडविड्थ बता दो इसकी कितनी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 270 प्लस 5 गुणा 2, यानी कि ये आपको मिल जाएगा 550 किलो हर्ट्ज। इनपुट पे अगर कोई पूछता बैंडविड्थ कितनी थी तो इनपुट पे हो जाता 90 प्लस 5 गुणा 2, यानी कि 95 × 190 किलो हर्ट्स। ठीक है, क्लियर, डन है, डन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है इसमें, और इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं।
क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इन एफएम सिस्टम अ कैरियर ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज इज मॉड्यूलेटेड बाय अ साइनोसॉइडल सिग्नल ऑफ 5 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो उसने कैरियर फ्रीक्वेंसी आपको कितनी मेंशन कर रखी है, कैरियर फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी 100 मेगाहर्ट्ज की, साथ के साथ आपको साइनोसॉइडल सिग्नल की, साथ के साथ आपको साइनोसॉइडल सिग्नल की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो उसने मेंशन कर रखी है 5 किलो हर्ट्ज की, ठीक है, ये उसने मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बोला जा रहा है द बैंडविड्थ बाय कार्सन्स अप्रोक्सीमेशन इज 1 मेगाहर्ट्ज, यानी कि इन दोनों डेटा देने के बाद वो बोल रहा है कि अगर बैंडविड्थ कैलकुलेट करोगे यहां से 2 times delta f plus fm करोगे आप यहां से, तो ये आपको 1 मेगाहर्ट्ज दिखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ yt इज इक्वल टू मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म क्यूब, यानी कि वो एक ऐसे मल्टीप्लायर से पास कर रहा है जिसका कि मल्टीप्लिसिटी फैक्टर 3 है, देन बाय यूजिंग कार्सन्स अप्रोक्सीमेशन द बैंडविड्थ ऑफ yt अराउंड 300 मेगाहर्ट्ज एंड द स्पेक्ट्रल स्पेसिंग ऑफ द कॉम्पोनेंट्स आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप जरा ध्यान से देखिए, मैं इस बैंडविड्थ को ऐसा भी तो बोल सकता था दैट दिस इज बैंडविड्थ अराउंड 100 मेगाहर्ट्ज, बोलो। अरे भाई जब बैंडविड्थ आप कैलकुलेट करोगे तो वो एफसी के अराउंड ही तो करोगे, यहां पे देखो एफसी आपका कितना 100 मेगाहर्ट्ज, तो एफसी प्लस माइनस एफएम, एफसी प्लस माइनस 2 एफएम, एफसी प्लस माइनस 3 एफएम, तो जो बैंडविड्थ कैलकुलेट होती है वो तो हमेशा एफसी के अराउंड ही कैलकुलेट की जाती है ना, ठीक है। अब अगर आपने इसको एक ऐसे सिग्नल से एक ऐसे मल्टीप्लायर से पास कर दिया जिसका मल्टीप्लिसिटी फैक्टर 3 है, तो क्या इसका एफसी 300 मेगाहर्ट्ज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या इसके एफएम पे कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो 5 किलोहर्ट्ज ही रहेगा, है ना। अब अगर मैं डेल्टा एफ की बात करूं, यहां से आप मुझे जरा डेल्टा एफ कैलकुलेट करके बताइए डेल्टा एफ की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, डेल्टा एफ आपको मिल जाएगा 500 किलोहर्ट्ज माइनस 5 किलोहर्ट्ज मतलब 495 किलोहर्ट्ज। तो यहां से जो नया वाला डेल्टा एफ आएगा, ये नया वाला डेल्टा एफ भी 3 गुना हो जाएगा, है ना, नया वाला डेल्टा एफ 3 गुना हो जाएगा, तो ये 1500 मतलब कि 1485, बोलो, है ना। तो ये यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन देखो आपको समझ में आएगा द बैंडविड्थ ऑफ yt अराउंड 300 मेगाहर्ट्ज, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो yt वाला सिग्नल आप कैलकुलेट कर रहे हो अपने आउटपुट पे, इसकी जो बैंडविड्थ आएगी ये अपने कैरियर के अराउंड आएगी, मतलब 300 मेगाहर्ट्ज के अराउंड आएगी, क्लियर है ना। तो आप कैलकुलेट कर लो आप इसकी बैंडविड्थ, बैंडविड्थ हो जाएगी 1490 × 2 यानी कि 2980 किलोहर्ट्ज, ये इसकी बैंडविड्थ आ गई, आई बात समझ में। स्पेक्ट्रल स्पेसिंग की जहां तक बात है तो वो तो एफएम के बराबर है, वो चेंज होने से रही। अब देखो पूरा क्वेश्चन समझ आ गया अच्छी तरीके से, तो एक-एक स्टेटमेंट क्वेश्चन का समझ में आना चाहिए, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या पूछना चाहता है, एंड सो ऑन। आगे बढ़ा जाए, चलो अब इसके मॉड्यूलेटर्स और डीमॉड्यूलेटर्स का थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। एफएम में देखिए दो तरीके के मॉड्यूलेटर्स, एफएम दो तरीके के होते हैं आपको पता ही है, एक होता है नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेटर और एक आपका होता है वाइड बैंड एफएम मॉड्यूलेटर। वाइड बैंड एफएम को जनरेट करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है, इनसे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बनते एग्जाम में, ठीक है, तो बस ऐसे ही देख लो, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को कभी कभी वीसीओ मेथड भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट मेथड को कभी कभी आर्मस्ट्रांग मेथड भी बोलते हैं। दोनों का एक एक छोटा छोटा वर्जन देख लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड या फिर आर्मस्ट्रांग मेथड में देखो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। इनडायरेक्ट मेथड या फिर आर्मस्ट्रांग मेथड में आप सबसे पहले NBFM जनरेट कर लेते हो, यहाँ पे MT लगाया, यहाँ पे CT लगाया। जब आपने NBFM जनरेट किया, सपोज यहाँ से एक NBFM आपने जनरेट किया AC cos ओमेगा CT प्लस बीटा sin ओमेगा MT, है ना। तो जो इसका बीटा है वो तो बहुत छोटा है, देखो ना
NBFM है तो बीटा बहुत छोटा है, तो बीटा को आप बढ़ा कैसे सकते हो? मल्टीप्लायर की मदद से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये एन ओमेगा सी एन बीटा हो जाएगा। अगर और बीटा बढ़ाना है फिर से मल्टीप्लाई करो, एन वन एन टू ओमेगा सी एन वन एन टू बीटा, ऐसे करके बढ़ाते चले जाओ। मान लो कोई ये बोलता है कि भाई ये तो आप ओमेगा सी भी तो चेंज करते जा रहे हो एन वन एन टू, तो यहाँ पे एक मिक्सर लगा लो अपनी मर्जी का। जब आप मिक्सर लगा लोगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी यहाँ से वो आ जाएंगे एन वन एन टू ओमेगा सी प्लस माइनस एन वन एन टू ओमेगा सी प्लस माइनस एफ एल, और इसको बराबर ओमेगा सी करके आप चूज कर लेना अपने एफ एल की वैल्यू। बात समझ आई? इसको एफ सी करके आप अपने एफ एल की वैल्यू चूज कर लेना। तो आप एक ऐसा सिग्नल जनरेट कर सकते हो यहाँ पे इस केस में जिसका बीटा भी बहुत हाई होगा और जिसका ओमेगा सी भी आप रिटेन करके रख सकते हो। बस यही आपका इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफ एम जनरेशन। ठीक है, आ गया समझ में? बीटा बढ़ाना है, बढ़ाते जाओ, मल्टीप्लायर लगाते जाओ बहुत सारे। जब ये बीटा आपको लगे कि हाँ सफिशिएंटली लार्ज हो गया, छोड़ दो। बट अगर ओमेगा सी भी चेंज हो गया और कोई बोलता है कि भाई ओमेगा सी तो पुराना वाला ही चाहिए, तो मिक्सर की मदद ले लो। मिक्सर आपका ना तो इस बीटा को टच करेगा ना ओमेगा एम को, इसको चेंज करेगा, है ना। तो एन वन एन टू ओमेगा सी प्लस माइनस एफ एल आएगा, उसको आप एफ सी के बराबर करके एफ एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वही एफ एल यहाँ पे चिपका दो। समझ गए? वेरी वेरी ईजी। ठीक है, वही सारी कैलकुलेशन देखो यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आपको देखना होगा तो पीडीएफ में आप एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, ओके, चलो। बाकी आपका जो डायरेक्ट मेथड ऑफ जनरेशन होता है, डायरेक्ट मेथड में कुछ करना नहीं होता है, आप एक वीसीओ लो और उस वीसीओ में डायरेक्टली आप ये मैसेज सिग्नल अप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे आप वीसीओ में ये मैसेज सिग्नल अप्लाई करोगे आपको आउटपुट पे एफएम सिग्नल मिल जाएगा। तो देखो ये इनडायरेक्ट मेथड नहीं है, ये डायरेक्ट मेथड है ना। इसके पहले वाले में आप पहले एनबीएफएम जनरेट कर रहे थे फिर डब्ल्यूबीएफएम, इस केस में मैसेज सिग्नल डायरेक्ट एक वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर में लगाइए, आपको ये एफएम सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एफएम डीमॉड्यूलेशन की हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, एफएम डीमॉड्यूलेशन में देखो क्या क्या होता है, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं एफएम डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, एफएम डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? एफएम डीमॉड्यूलेशन दो तरीके की चीजें इसमें बताता हूँ जिसपे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं आपके पॉसिबली, है ना, जिसपे पॉसिबली न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि एफएम का जो डीमॉड्यूलेशन होता है उसका, हाँ इनसे क्वेश्चंस नहीं आते, इनसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते, इनके जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने पीडीएफ्स में डाल रखे हैं, वो आप चाहो तो गो थ्रू कर लेना, बट इनसे क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस सारे अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो सुपर हेटेरोड एंड रिसीवर से आते हैं। ठीक है, ओके, देखिए जरा ध्यान से, अगर आप यहां पे देखें तो आपको एफएम को डीमॉड्यूलेट करना है, यानी कि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्रेजेंट है, उससे आप मैसेज सिग्नल को रिकवर करना चाहते हो, यही तो है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल से मैसेज सिग्नल को रिकवर करना चाहते हो तो उसका एक सेट पैटर्न होता है। आपको क्या करना चाहिए, आपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएशन के लिए जो ब्लॉक लगा हुआ उसका देखो मैंने डिफरेंट डिफरेंट वर्जन बता रखे। कभी कभी डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं डी बाई डी टी, कभी जे ओमेगा, कभी जे टू पाई एफ, ऐसा करके बोला जाता है। ठीक है, ये होता है आपका डिफरेंशिएशन। जैसे ही आप अपने एफएम सिग्नल को जनरेट करते हो ना, आपको एक सिग्नल यहाँ से मिलता है जिसको कि बोला जाता है एम्पलीट्यूड एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये जो सिग्नल आपको यहाँ देखने को मिलेगा ना, इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी आपको देखने को मिलेगा और एंगल मॉड्यूलेशन भी देखने को मिलेगा। कैसे वो देखने को मिलेगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक सिग्नल यहाँ से लिखता हूँ ए सी, और इसको मैं लिख लूँ कॉस टू पाई एफ सी टी, है ना, प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम टी डी टी। अगर सपोज मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, और अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, डिफरेंशिएट करने के बाद अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को लिखूँ, तो आप सभी लोग मेरे साथ साथ डिफरेंशिएट करके बताइए ये एक्सप्रेशन आपको क्या मिलेगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आपको यही एक्सप्रेशन मिल रहा है, प्लस 2 पाई के एफ एम टी इंटू साइन 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम टी डी टी, है ना। और यहाँ पे चलो नेगेटिव साइन भी अगर आपको लग रहा है तो आप लगा लो। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था माइनस 2 पाई ए सी एफ सी, ये हो जाएगा 1 प्लस के एफ बाई एफ सी इंटू एम टी, और ये आपका
साइन वाला एक्सप्रेशन, 2πfct प्लस 2πkf इंटीग्रेशन ऑफ mt dt, लिख सकते हो ना ऐसा। अब देखो क्या ये जो एक्सप्रेशन है, अगर ये जो बाहर वाला पूरा का पूरा कंपोनेंट दिख रहा है ना कॉमन वॉमन लेने के बाद, अगर मैं इसको ए सी डैश बोल दूं थोड़ी देर के लिए, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हटा के मैं इसकी जगह पे ए सी डैश लिख दूं, तो देखो क्या इतना कंपोनेंट आपको ए एम सिग्नल जैसा लग रहा है। ए सी डैश इंटू वन प्लस के ए एम टी, ये आपका के ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और बाकी ये तो आपका पूरा का पूरा एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये, है ना। तो ये आपका एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो ये ओवरऑल जो एक्सप्रेशन आता है ना किसी भी एफएम सिग्नल को, जब आप डिफरेंशिएट कर देते हो तो जो ओवरऑल सिग्नल आता है इसको बोला जाता है डबल एएम, मतलब एम्पलीट्यूड एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। बात समझ आई? बोलिए, डन है? परफेक्ट परफेक्ट। तो इसको बोलते हैं एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको इनवेलप डिटेक्टर से पास कर दूं, अगर मैं इसको एक इनवेलप डिटेक्टर से पास कर दूं, तो ये जो बाहर वाला इनवेलप है यही तो मुझे मिल जाएगा आउटपुट पे। मगर ये आउटपुट पे आपको कब मिलेगा ये बाहर वाला इनवेलप? जब म्यू की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू वन होगी। बताइए, है ना। म्यू यहां पे आपको क्या दिख रहा है? व्हाट इज म्यू? म्यू इज नथिंग बट के ए मॉड ऑफ एम टी मैक्स। परफेक्ट। जरा के ए की वैल्यू यहां से निकाल के बताइए, ये आपको मिलेगा के एफ मॉड ऑफ एम टी मैक्स बाई एफ एम और मे बी बाई एफ सी। देखो जो ऊपर लिखा हुआ है, क्या ये आपका डेल्टा एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा एफ मतलब मॉड ऑफ डेल्टा एफ टी मैक्स, है ना। परफेक्ट। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मैं आउटपुट पे चाहता हूं कि मुझे ए सी डैश इंटू वन प्लस के ए एम टी मिले, तो वो तभी मिलेगा जब डेल्टा एफ बाई एफ सी वन से बहुत कम होंगे, है ना। फिर इसके आगे कैपेसिटर वगैरह लगा के आप में से सिग्नल को अपने रिकवर कर, करेक्ट। नोट करो, ये है इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का लॉजिक। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप एक गिवन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल से अपने मैसेज सिग्नल को रिकवर करवा सकते हो, आप बोलोगे बिल्कुल करवा सकते हैं, पहले उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आपको मिल जाएगा डबल ए एम एम्पलीट्यूड एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फिर इनवेलप डिटेक्टर लगाते हैं, इनवेलप डिटेक्टर लगाने के बाद मुझे एम्पलीट्यूड ये तभी मिलेगा जब म्यू की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू वन होगी। तो आप ये बोलोगे कि एम्पलीट्यूड एंगल मॉड्यूलेटेड से मैसेज सिग्नल की रिकवरी तभी पॉसिबल है जब डेल्टा एफ बाई एफ सी की वैल्यू वन से बहुत कम होगी। समझ गए? अब देखो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक करके देख लो। आपने यहाँ पे लगाया एफ एम, यहाँ पे जनरेट हुआ डबल ए एम। यहाँ से अगर आप वाई टी इक्वल टू एम टी ऑप्टेन करना चाहते हो तो दिस इज इफ ओनली पॉसिबल, म्यू की पॉसिबिलिटी यहीं पे आएगी क्योंकि यहीं पे एंगल और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। तो जो ये म्यू की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है, इसका आपको वैल्यू भी याद होना चाहिए दैट इट इज़ डेल्टा एफ बाई एफ सी, और उसके साथ साथ कंडीशन भी पता होना चाहिए दैट इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू वन, है ना। तो इस पर कभी क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया एग्जाम में, बट बीपी लाठी में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो आपसे पूछा जा सकता है। समझ गए? ये पूरा ब्लॉक डायग्राम ऐसे ही बना के दे देगा, एक नंबर में सवाल आपसे पूछेगा। डेल्टा एफ और एफ सी यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा इसी एफ एम से, और आपसे पूछ लेगा डेल्टा एफ की वैल्यू या एफ सी की वैल्यू, और कोई इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन भी है, उसका आंसर आप चाहो तो कैलकुलेट करके बता सकते हो। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है एक एफ एम सिग्नल है जे टू पाई एफ, मतलब ये हो गया आपका डिफरेंशिएटर। क्या बन गया? ये बन गया आपका डिफरेंशिएटर। इसको एक एनवेलप डिटेक्टर से पास किया जा रहा है वाई टी। क्वेश्चन में बोल रखा है कि क्या जो वाई टी है वो एम टी के प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा। तो बताओ ये कैसे आप चेक करोगे कि जो वाई टी है वो आपका एम टी के प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? तो जाहिर सी बात है आपको एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी डेल्टा एफ बाई एफ सी की, ठीक है। डेल्टा एफ की कैलकुलेशन यहां से कर लोगे। देखो एफ सी तो आप सभी लोगों को दिख रहा है 1000 किलो हर्ट्स। बीटा आप सभी लोगों को दिख रहा है 4। एफ एम आप सभी लोगों को कितना दिख रहा है? 100 किलो हर्ट्स, ठीक है। तो डेल्टा एफ क्या हो जाएगा? बीटा इंटू एफ एम, मतलब 400 किलो हर्ट्स। डेल्टा एफ बाई एफ सी यहाँ से कैलकुलेट करिए, ये मिल जाएगा आपको 400/1000 विच मीन्स 0.4, क्योंकि ये वैल्यू आपकी 1 से कम थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यस, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, एक नंबर का।
कंसेप्ट ये आपका प्रोकिस में दे रखा है, बट इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको बीपी लाठी में मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो एफएम का आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, विच इज पीएलएल। पीएलएल में आपको दो ही चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो पीएलएल का ब्लॉक डायग्राम। पीएलएल के ब्लॉक डायग्राम में, क्योंकि ये एक डीमॉड्यूलेटर की तरह काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे एक एफएम सिग्नल लगाते हो, फिर यहाँ पे एक फेज डिटेक्टर, एक लूप फिल्टर और फीडबैक में एक वीसीओ लगा होता है। ये पीएलएल अगर सही से काम करे तो जो आपका वीटी होता है वो आपका एमटी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसमें एक ही कंक्लूजन होता है, वो कंक्लूजन मैं आपको याद करवा देता हूँ। जरा देखिए, देखिए जो आपका एफएम होता है, इस एफएम सिग्नल के में जो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी है वो मान लेते हैं कि ये ट्रांसमीटर से आ रहा है, ट्रांसमीटर से आपने ट्रांसमिट किया, यहाँ पे एक एफएम सिग्नल जनरेट हुआ। थोड़ी देर पहले आपने सीखा था कि जो वीसीओ होता है वो भी एक एफएम जनरेटर होता है, डायरेक्ट एफएम जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो एफएम सिग्नल जनरेट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी केवी मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा दैट एफएम सिग्नल जनरेटेड वाया फीडबैक वीसीओ हैविंग द फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ केवी, और जो एफएम सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी केएफ होती है। तो ये फॉर्मूला आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि जो आउटपुट पे वीटी सिग्नल आता है, दिस सिग्नल आउटपुट पे ये जो VT सिग्नल जनरेट होता है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू KF बाई KV इंटू MT। तो इससे एक बार आपका क्वेश्चन पूछा गया ESC में, गेट में कभी नहीं पूछा गया, ESC में डायरेक्ट यही एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन पूछा था। KF का डेटा दिया था, KV का डेटा दिया था, मैसेज सिग्नल दिया था, बोल रहा था कि जो PLL रिकवर करेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो VT ये लिख देना। बाकी एक दो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ESC वगैरह में पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, गेट में ऑब्वियसली नहीं पूछे जाएंगे कभी, तो आप ये दोनों चीजें चाहे तो याद रख सकते हैं, ओके। अब आज आप जाइए और गेट के या किसी भी किताब के या किसी भी टेस्ट सीरीज के जो आपको अच्छा लगता है, दुनिया का कोई भी एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल का क्वेश्चन उठा लो, सारे क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं इतना बड़ा आपके सामने दावा कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स में। बाकी जितने भी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले हैं उनको मैं ज़रूर एक बार ये बोलूँगा कि अगर कभी भी आपको मौका मिले तो कम्युनिकेशन का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ज़रूर पढ़ना। ये तो क्रैश कोर्स है, इसमें तो आप मान के चलो कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सिखा रहा हूँ, बट जब आप कभी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज करेंगे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत सारे और वहाँ पर डिस्कशंस होते हैं और अप्रोच वगैरह पर चर्चा की जाती है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ज़रूर करना चाहिए अगर आपको कभी मौका मिले, या अगर आप GATE 24 वगैरह देने वाले हैं तो, ठीक है। ये तो क्रैश है, क्रैश में भी मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो इम्प्रूव कराई दे रहा हूँ, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके कभी कभार ESC वगैरह में पूछे जाते हैं, दैट लॉक रेंज शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कैप्चर रेंज, और लॉक मोड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी लॉक को रिप्रेजेंट करता है, और कैप्चर मोड हमेशा आपका फेज लॉक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बात समझ आ गई सबको यहाँ तक। चलिए तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी इसी के साथ साथ आपका एनालॉग मॉड्यूलेशन मैंने फिनिश कर दिया। जितने भी सिंसियर लोग होंगे जो लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अगर आपने सिंसियरली ये 5 क्लासेस अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करी हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन हो, किसी किताब का क्वेश्चन हो, कोई आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, कहीं से भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, 99.99% क्वेश्चन आप क्रैक कर पाएंगे। ये तो हो गया एम्पलीट्यूड एंगल आपका एनालॉग मॉड्यूलेशन वाला पार्ट। अब कल से हम लोग रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। 2 क्लास रैंडम वेरिएबल की है, 2 क्लास रैंडम प्रोसेस की। उन 4 क्लासेस के इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर कभी भी गेट के एग्जाम में 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप मान के चलिए 4 नंबर के आसपास आपका रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच इज़ अ ह्यूज 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 बाइफर्केशन, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होंगे, जैसे PCM हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हो गया, वो सारा सब कुछ इसी बात पे बेस्ड है कि आपको रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस कितनी अच्छी तरीके से आता है। अगर आपका रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस नहीं कंप्लीट है, तो फिर आप डिजिटल कम्युनिकेशन में आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।